empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears.
my heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing, you're locked inside these parallel dimensions all alone. No.
Okay, so hey guys, what's up everyone, welcome back to our channel One Name Official and welcome back once again with One Name Mini Showdown Season 0 Day 2 and आप सभी का फिर से और एक बार हम स्वागत करते हैं आज के स्ट्रीम्स के ऊपर एंड सभी मायावी फैंस को हम मेरे तरह से एक ही टीम जीत गेमिंग के तरह से एक वेलकम है आप सभी का एंड गाइस यहां पे पहला मैच आज के दिन का रैंकल के ऊपर शुरुआत हो चुका है सो डेफिनेटली वी विल मूव ऑन टू द फ्लाई पाथ राइट नाउ यहां पे फ्लाई पाथ की बात करेंगे सॉसनोव का मिलिट्री बेस के ऊपर से ये फ्लाई पाथ अभी के लिए कामिश्की तक जाके एंड होने वाला है मिलिट्री बेस फार्म मिल्टा शेल्टर प्रिजन मैंशन यशना बोलाना के ऊपर से ये फ्लाई पाथ डेफिनेटली कामिश्की तक जाके एंड होगा एक डिसेंट फ्लाई पाथ हमें देखने को मिल रहा है बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक चीज होने वाला है जो टीम से यहाँ पे जॉर्जो की तरफ जाते हैं गटका की तरफ जाते हैं अदरवाइज दिस इज अ रियली वेरी गुड फ्लाई पाथ क्योंकि लगभग यहाँ पे एरेंगल के 80% ये फ्लाई पाथ कवर कर पाता है बाकी देखते हैं टीम कहाँ कहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे उनका व्हीकल्स का इस्तेमाल कैसे हमें देखने को मिलता है आर्ली फाइट्स आर्ली कैजुअलिटी कैसे होता है एंड एवरीथिंग ऑल लेट्स सी ओके 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 सो बताओ गाइस क्या चिंता है आपको झूठे हो ओ ओ, ओ, ओ पॉइंट्स टेबल का पता नहीं झूठे हो तुम लोग हम मायावी के फौज में हैं वो दूसरी जगह कास्ट कर रहा है तो भैया मायावी ब्रो का अगर दूसरा जगह ऑलरेडी बुक है तो एक साथ वो दो जगह कैसे करेगा ये भी बात है बाकी मेरे को पता नहीं है कोई बात नहीं गाइज इफ़ यू हिट दैट डिसलाइक बटन यू कैन गो विद देम क्योंकि आप रहने दो चलो गाइस अभी के लिए फ्लाई पाथ यहाँ पे होता है खत्म एंड सर्कल की बात करेंगे सर्कल अभी के लिए मैप के वेस्टर्न एरियाज के ऊपर बन जाएगा नोवर इब्नॉय के ऊपर हमें दो टीम अभी के लिए देखने को मिल रहा है किटकैट इज टेकिंग अ ड्रॉप ऑन द एरियाज ऑफ मिलिट्री बेस यहाँ पे काफी सारे टीम्स आपको अभी के लिए क्लस्टर नजर आएंगे ऑन द एरियाज ऑफ ईस्ट एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे TSM Entity is playing on this match and क्लच गॉड जी गॉड ओके 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 क्लच गॉड नो नो दिस DS क्लच गॉड एक्चुअली TSM Entity के जी गॉड खेल रहे हैं सांगवान के टीम के साथ गॉडल 39 फाइट्स के अंदर आएंगे सो डेफिनेटली वी विल मूव ऑन टू द गॉडल फाइट राइट नाउ यहाँ पे हम आ जाएंगे 60x4s की बात करेंगे यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं इनके सामने गॉडल का टीम रहेगा गॉडल की बात करेंगे शुरुआती तौर पे ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे अच्छा दो नॉकआउट्स इन्होंने निकाल लिया है गॉडल 39 की बात करेंगे स्कॉर्पियन का अच्छा इस्तेमाल दो नॉकआउट्स यहाँ पे इनको मिल चुका है एंड एक किल कन्फर्मेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है 60x4 शहरी की बात करेंगे इनके हाथ में अभी के लिए टॉमी गन जरूर रहेगा बचाने की कोशिश करेंगे जरूर बट ढीलॉन का यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा रायत को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड किया जाएगा बट सम हाउ यहाँ पे अभी के लिए नॉकआउट नहीं देखने को मिलेंगे बट रायत वहाँ पे अपने TP का इस्तेमाल करेंगे मान ओपी को डाउन यहाँ पे शहरी अकेला खिलाड़ी बच जाएंगे माइक्रो उजी इनके हाथ में है जिगल के साथ डाउन करने की कोशिश माइक्रो उजी एंड टॉमी गन का कॉम्बो इस्तेमाल करें दोनों SMG गन है एक खिलाड़ी को सम्हाउ मैनेजेस टू टेक हिम डाउन बट दूसरा प्लेयर का यहाँ पे ADS फायर आएगा एंड इसी के साथ द गॉड एल विल टेक द स्टार्ट विद अ 4 किल ऑन द पॉकेट यहाँ पे और एक फाइट चल रहा है जहां पे मेगा स्टार्स आपको मिल जाएंगे MGZ रौनक यहाँ पे एक अच्छा नॉकआउट अभी के लिए निकालेंगे अपने DBS के साथ मेगा स्टार्स के पास चलते हैं मेगा स्टार्स उतरे थे ऑन द एरियाज ऑफ नोवो रिब्नॉय एंड वहाँ पे फिनटॉक्स के भी खिलाड़ी मौजूद हैं एंड रौनक वहाँ पे एक अच्छा नॉकआउट दिए है DBS के साथ रौनक एक्सप्लिसिट RIP स्क्वाड करन एंड आर्टिमास ये चारों खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे DT जेली का यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा फर्जी एनकोर यानी कि एनकोर भैया यहाँ पे अभी के लिए डाउन है एंड टीम मेगा स्टार का यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे टीम फिनटॉक्स भी लेकर जाएंगे MGZ रौना का के पास रहेगा अभी के चलते एक किल एक्सप्लिसिट हैविंग वन ऑल द गाइस हैविंग वन किल्स ऑन देयर पॉकेट एनिग्मा गेमिंग यहाँ पे फाइट्स के अंदर आ रहे हैं तो एनिग्मा गेमिंग के पास एक बार चलेंगे जहाँ पे आपको मिल जाएंगे एनिग्मा गेमिंग की तरफ से बिलीव शैडो शरंग एंड क्या हुआ वाज चोजन इनके सामने टीम नंबर 6 के खिलाड़ी मौजूद है एंड आई थिंक वहाँ पे टीम नंबर 6 इनका भी यहाँ पे एक एलिमिनेशन होगा काफ़ी सारे अर्ली फाइट्स के चलते अर्ली टीम्स का यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है FS के पुकार भी वहाँ पे एक अच्छा नॉकआउट निकालेंगे अभी के चलते BTR से ऑफर की बात करेंगे इनके टीम की तरफ से भी यहाँ
यहाँ पे हमें काफी ज्यादा कैजुअलिटी देखने को मिल रहा है। गमला बॉय अकेला खिलाड़ी बच जाएंगे, रिवाइवल जरूर चल रहा है। एंड सामने अगर टीम 11 की बात करेंगे, यहाँ पे सेंसाई का एलिमिनेशन हो चुका है, जामीन एंड एवेंजर ये दोनों खिलाड़ी बचे जरूर है। आमिर को यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे एंड जामीन एंड एवेंजर पीछे के एरिया में रहेंगे। डीपी के साथ यहाँ पे कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट 2v4 का जो सिचुएशन रहेगा वो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है इनके लिए। नेट पिन कर चुका है, नेट किया जाएगा, बट ये नेट अभी के लिए उतना डैमेज नहीं दिया जाएगा। एंड एनीएस के एवेंजर की बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद जरूर है एवेंजर का नेट। पुकार गोज डाउन, यहाँ पे गमला बॉय को भी डाउन किया जाएगा एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल नॉक। दो नॉक यहाँ पे निकाल चुके हैं। इस 4D की बात करेंगे, पीछे होल्ड करेंगे, पीछे से देंगे धप्पा एंड इसी के साथ टीम 11 का यहाँ पे हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। BTR से ऑफर एंड ये जो टीम है फ्यूचर स्टेशन का अच्छा शुरुआत लेकर जाएंगे 4 किल के साथ। मतलब अभी तक हमने 3 फाइट देखे हैं जहाँ पे तीनों टीम्स ने एक अच्छा फाइट निकाला है, चारों किल्स उन्होंने निकाले हैं, बट विदाउट एनी कैजुअल्टी। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, एंड गाइस जो भी यहाँ पे चैनल के ऊपर नया आए हो, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लाइक आप करो चाहे ना करो वो आपकी फैक्ट है, बट हाँ माया भी ब्रो आई थिंक चेन रिएक्शन में कर रहा है एंड चेन रिएक्शन का तो आई थिंक कुछ टूर्नामेंट मैचेस चल रहा है, तो आई थिंक वो अच्छे कास्टर है। सो अच्छे कास्टर को अच्छा मैच करना चाहिए, क्या बोलते हो, क्या ख्याल है आपका? तो चेन रिएक्शन का मैच ज़्यादा आई थिंक बेटर हो रहा है, इसलिए वहाँ पे चेन रिएक्शन में मायावी प्रो अभी कर रहा है। तो एक ही टाइम पे वो ऑफर मेरे को भी आया था चेन रिएक्शन का, बट मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आई थिंक वहाँ पे उनको मैं एक्सेप्ट नहीं किया था ना, मेरे से भी उनको बेटर कास्टर की ज़रूरत था, तो उन्होंने मायावी प्रो को हायर किया है। सो दैट इज़ द थिंग। सो मायावी प्रो एक्सपीरियंस कास्टर है, अच्छे करते हैं, उनसे हम सीखते हैं। अगर आप मेरे को हेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप उनको भी हेट कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिम। सो अगर आप मेरे को हेट करते हो तो इसका मतलब आप मायावी ब्रो को भी हेट कर रहे हो, क्योंकि मैं उनसे ही सीख रहा हूँ। अगर आप मेरे को हेट करोगे तो यही चीज़ें होता है, बाकी आपकी मर्जी। चलो गाइस यहाँ पे पहला सर्कल की बात करेंगे, सर्कल यहाँ पे बन चुका है, सर्कल का क्लोजिंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 7 मिनट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, 17 टीम 68 प्लेयर्स इज स्टिल आउट देयर। पहला सर्कल यहाँ पे धीरे धीरे क्लोजिंग हो रहा है एंड एक बार हम नजर डालेंगे यशना बोलाना के ऊपर। एंड यशना बोलाना, यशना बोलाना के ऊपर आपको यहाँ पे वन नेम ऑफिशियल के टीम मिल जाएंगे, जहाँ पे हिटलर ओपी, उल 7, हैना डेविल ओपी एंड जस्ट जू, ये चारों खिलाड़ी मौजूद हैं। इनके सामने ST8 के खिलाड़ी एज यूजुअल रहेंगे, जो इनका भी एक कहीं ना कहीं का ड्रॉप लोकेशन रहता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ST8 के रॉबिन, RPG सवितार, किंग एस एंड ST8 ब्लेजिट ओपी, ये चारों खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद है। सो एक अच्छा 4v4 फाइट हमें यशना के ऊपर भी देखने को मिल सकता है एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई टीम एस्केप नहीं करता है सो डेफिनेटली एक अच्छा फाइट यहाँ पे हो सकता है। बट अभी के लिए जोन के बाहर के फाइट आई डेफिनेटली से कि प्रायोरिटाइज करना नहीं चाहेंगे। बट ST8 के रॉबिन यहाँ पे एक बगी के साथ आ रहे हैं, किंग एस को यहाँ पे पिकअप किया जाएगा एंड देन दे कैन इनिशिएट सम फाइट्स और मे बी दे कैन गो ऑन टू द जोन। काशर ओपी तुम्हारा नेम? मेरा नेम है जीत। चलो गाइस अभी के लिए बात करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर में आपको नजर आएंगे NRX के खिलाड़ी, NRX के डॉन गॉड, पर्व, डेव एंड NRX रेजर, ये NRX के चारों खिलाड़ी अभी के लिए घटका के एरियाज के ऊपर मौजूद जरूर है। गॉडल के खिलाड़ी यहाँ पे फाइट्स के अंदर फिर से और एक बार आ रहे हैं एंड DS क्लच गॉड गोज डाउन दिस टाइम। DS के क्लच गॉड को डाउन किया जा चुका है। DS के एवेंजर की बात करेंगे, वो वहां से एस्केप कर जाएंगे। तीनों खिलाड़ी यहां पे गटका ट्रेंचेस के पास जरूर आ चुके हैं, बट गॉडल के हाथ से क्या वो बच पाएंगे? अभी के लिए एक नॉकआउट जो इन्होंने निकाले हैं किलवा जा रहे हैं, यानी कि एस पावर उनका किल कंफर्म करते हुए जाएंगे। टोटल 5 किल अभी तक गॉडल के खाते में आ जाएंगे एंड डेफिनेटली टीम DS की बात करेंगे, एक कैजुअलिटी यहाँ पे उनको झेलना पड़ेगा आगे के फाइट्स के लिए।
टोटल लगभग सारे नॉमिनेट यहाँ पे हो रहे हैं। एंड टीम्स की बात करेंगे, अभी भी 17 टीम्स आर अलाइव ऑन दिस मैच, 67 प्लेयर्स आर स्टिल आउट देयर। एलिमेंट के टीम्स भी यहाँ पे फाइट्स के अंदर आ रहे हैं। फिनटॉक्स की बात करेंगे, दे आर स्टिल आउटसाइड ऑफ द सर्कल। एंड ST8 के साथ साथ यहाँ पे आपको सिनर्जी मिल जाएंगे जो अभी भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं जोन के बाहर दूर मौजूद है। ओके, सो यहाँ पे एक और टीम आ चुका है, एंड दैट विल बी ग्लोबल स्पोर्ट्स, जहाँ पे आपको जी गॉड नजर आएंगे, ब्लेजी नजर आएंगे, फियर्स नजर आएंगे, एंड भगवान नजर आएंगे। एंड अभी के लिए ब्लेजी को डाउन किया जा चुका है। गॉडेल की बात करेंगे, गॉडेल 39 को डाउन किया जा चुका है, एंड 39 का वहाँ पे एलिमिनेशन भी हो चुका है। अलादीन, रैयद एंड एसपावर, ये तीनों खिलाड़ी अभी के लिए बच जाएंगे। एंड सामने के साइड की बात करेंगे, यहाँ पे ब्लेजी डाउन है, ब्लेजी को रिवाइव देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के लिए रिवाइवल प्रोसेस जो है चल रहा है, क्या हुआ वॉज चूजन, वहाँ पे एक्सप्लोशन के चलते हो जाएंगे डाउन। एनिग्मा के बिलीव भी वहाँ पे हो चुके हैं डाउन, रैयद वहाँ पे अभी के लिए जी गॉड को करेंगे डाउन। अच्छा नॉकआउट यहाँ पे गॉडेल की तरफ से हमें देखने को मिला है, जी गॉड को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। एंड ब्लेजी की बात करेंगे, यहाँ पे ब्लेजी को पहले रिवाइव दिया गया, फिर ब्लेजी यहाँ पे अपना रिवाइवल देते हुए, एंड आई थिंक काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एरियाज है ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एरियाज अभी के लिए नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी सारे टीम जो है एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का एक चांसेस ज़रूर बनता है। गॉडेल के प्लेयर्स यहाँ पे पोशिंग करने जरूर आ चुके हैं। अलादीन की बात करेंगे, M4 इनके हाथ में है, प्लेयर्स को स्पॉट कर दिया जा चुका है। वेकल वहाँ पे लेकर निकल रहे हैं जी गॉड, एंड वहाँ पे ब्लेजी को स्पॉट किया जाएगा, ब्लेजी गोज डाउन, ब्लेजी को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। एंड इनके जो बाकी खिलाड़ी है सुगर डैडी यानी कि सांगवान, फियर्स एंड जी गॉड, ये ऑलरेडी ये पोजिशन से एस्केप करके निकल चुके हैं। पीछे जो कंपाउंड्स रहते हैं वहाँ पे 3 कंपाउंड्स के आसपास यहाँ पे आ चुके हैं, एंड सॉरी 4 कंपाउंड्स के पास, 4 नहीं 5 है, ये तो 5 कंपाउंड्स के आसपास यहाँ पे आ चुका है। सामने के टीम की बात करेंगे, ये लोग भी तीनों खिलाड़ी है, सो एक अच्छा 3v3 फाइट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। एक बार नजर डालेंगे 1M ऑफिशियल के ऊपर, 1M ऑफिशियल के है ना डेविल ओपी के साथ, 1M के हिटलर ओपी एकी फेकल के साथ रोटेशन दे रहा है। इनके सामने जेव जस्ट टू एंड 1M के उल्फ रहेंगे अभी के लिए, बट पीछे का जो एरियाज है वहाँ पे भी एक टीम उनको चेस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ टीम नंबर 15 ऑलरेडी होल्डिंग दिस टॉप रीच, FSK पुकार अभी के लिए बातों को करेंगे डाउन, बट यहाँ पे जस्टू को डाउन करने का एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनाएंगे जरूर, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा चूक कर जाएंगे, जिसी के लिए अभी के लिए नॉकआउट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बट वी विल मूव ऑन टीम फ्यूचर स्टेशन, जहाँ पे गमला बॉय पुकार एंड BTR से ऑफर एंड और एक खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है, इनके सामने आपको नजर आएंगे अभी के लिए सिनर्जी। एंड क्लाउड बोथ आर एलिमिनेटेड, यहाँ पे स्क्रेस बचे रहेंगे, सर्वी बचे रहेंगे, सर्वी को यहाँ पे डाउन किया जाएगा, तो अकेला खिलाड़ी यहाँ पे स्क्रेस बचे रहेगा, उनके ऊपर यहाँ पे दोनों बंदे का शॉट आएगा, एंड इसी के साथ सेनर्जी का भी हमें यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। जोन के नॉर्दर्न एरियाज की बात करेंगे, आपको यहाँ पे अभी के लिए वॉकआउट्स के टीम देखने को मिलेगा। वॉकआउट्स की तरफ से युवा OPYD और OZ क्रीटो एंड साथ ही साथ मिस्टर स्प्रे एंड बियर्ड बाबा, ये चारों खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद जरूर है। एंड गॉडेल फिर से और एक बार फाइट्स के अंदर आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली इस बार भी एक अच्छा नॉकआउट के साथ शुरुआत करेंगे, बट कितना ज़्यादा कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा। अभी के लिए गब्बर को भी डाउन किया जा चुका है, एंड एलिमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट के हेक्टर गोज डाउन, गब्बर ऑल्सो गोज डाउन, 33 XO, ये अकेला खिलाड़ी अभी के लिए बचे रहेंगे। ओपन के एरियाज के ऊपर फिलहाल प्रोन इन होके रखे हैं, एक तरफ उनके डासिया के कवर रहेगा, दूसरे तरफ यहाँ पे स्मोक जरूर कर चुके हैं, बट काफ़ी ज़्यादा ओपन लैंड के ऊपर लीडे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दूर से अगर स्पॉट हो जाते तो डेफिनेटली यहाँ पे टीम 14 यानी कि एलिमेंट का भी यहाँ पे जो गेम है वो फिनिश होते हुए हमें नजर आ सकता है। अभी के लिए किटकैट भी फाइट्स के अंदर आ रहा है, एंड किटकैट के यहाँ पे दोनों खिलाड़ी हो चुके हैं डाउन, साद एंड यहाँ पे ओमेगा
बच जाएंगे। ओमेगा को भी डाउन किया जा चुका है, तो 7 अकेला खिलाड़ी अभी के लिए बचे हुए हैं। काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे किटकैट के लिए होने वाला है। नियॉन को ऑलरेडी डाउन किया जा चुका है, क्याओस को भी वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। एंड टीम 8 की बात करेंगे इनसेन की, तो यहाँ पे आईटी प्रिंस इनके तरह से भी अकेला खिलाड़ी बचे रहेंगे। 1v1 का फाइट रहेगा। अगर यहाँ पे आईटी प्रिंस को एलिमिनेट किया जा सकता है देन यहाँ पे पूरा टीम इनसेन का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। एंड वहाँ पे एक अच्छा टाइम मिल जाएगा 7 को फिर से रिवाइव देने का। बट अभी के लिए 7 रिवाइविंग हिज टीममेट। एंड दोनों टीम यहाँ पे पहले अपने टीममेट्स को रिवाइव देने का प्रायोरिटी रखेगा। एंड अभी के लिए रिवाइवल भी यहाँ पे चालू हो चुका है। अभी के लिए NRX के डॉन गॉड गोज डाउन। यहाँ पे एक से बढ़कर एक फाइट चल रहा है, जहाँ पे NRX की बात करेंगे टेफ एंड पार्व ये दोनों खिलाड़ी अभी के लिए जीवित है। वॉकआउट की बात करेंगे, वॉकआउट के एक भी प्लेयर यहाँ पे मौजूद है। ओजेड क्रीटो यहाँ पे अकेला बच जाएंगे। पीएड बाबा गोज डाउन, मिस्टर स्टे ऑल्सो गोज डाउन। यहाँ पे ओजेड क्रीटो एक अच्छा 1v1 फाइट निकालेंगे। एक खिलाड़ी को डाउन कर जा चुके हैं, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पे रहेंगे तरुण। एंड ही विल टेक दिस फाइट। टीपी भी लेकर यहाँ पे होल्ड करेंगे, इंतजार करेंगे एंड सही मौके पे यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा। एंड इसी के साथ एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा टीम वॉकआउट्स का। एक बार नजर डालेंगे टीम किटकैट के ऊपर। किटकैट के तरह से यहाँ पे 60 दब बचे हुए हैं। ओमेगा को यहाँ पे रिवाइव दिया जा चुका है, बट ओमेगा इज लिटरली ऑन डॉट एचपी राइट नाउ। इनके सामने इनसेन का स्क्वाड है एंड इनसेन के मैडमैन अभी के लिए नॉकआउट है। स्मोक का जरूर कर रहे हैं टॉप डॉग, बट दूर से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फिनटॉक्स के भी खिलाड़ी आ रहे हैं। सो स्मोक देखकर वो लोग भी रुक सकते हैं, बट 7 का नेड आएगा। टॉप डॉग गोज डाउन एंड यहाँ पे 7 कंप्लीटली पुश करते हुए जाएंगे। आईटी प्रिंस को स्पॉट किया जाएगा एंड इसी के साथ टीम किटकैट विल डूइंग अ वेरी वेरी वंडरफुल 2v4 फाइट हियर। एक अच्छा 2v4 फाइट यहाँ पे निकाल के जाएंगे। एक्चुअली जब से ये सिचुएशन बना पहले तो 3v4 था, बट फाइनल जब 7 ने वहाँ पे ओमेगा को रिवाइव दिया दैट इज अ मोमेंटम। एक बार नजर डालेंगे टीम ओके ये भी इनसेन है क्या, जहाँ पे पुवाली आपको नजर आएंगे। माइसेल भी खेल रहे हैं, बूस्टेड प्लेयर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एंड साथ ही साथ बूस्टेड प्लेयर के साथ साथ डेमन भी यहाँ पे खेल रहे हैं। डेमन को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। लाइफ क्राफ्ट की बात करेंगे तो लाइफ क्राफ्ट के भी आई थिंक शिनचैन गोज डाउन। क्रिट का वहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है। क्रिट को बचा नहीं पाए फिलहाल। अभी के लिए शिनचैन को जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा। सचिन वहाँ पे रिवाइवल देने की काम कर रहे हैं। एंड टीम नंबर 24 की बात करेंगे, इनके पास एक अच्छा एडवांटेज रहेगा जहाँ पे इनके चारों खिलाड़ी जीवित है एंड दे कैन डेफिनेटली पुश ऑन देम। एंड अभी के लिए एक अच्छा फायर भी लेंगे, बट somehow ही विल मैनेज टू टेक दैट कवर राइट नाउ। शिनचैन, सचिन एंड मायंक यहाँ पे अभी के लिए बचे हुए हैं। सचिन का हेल्थ काफी लो हुआ था, बट फिट से यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन कर चुके हैं। राइट से एक पुश आ रहा है, पीछे टीम नंबर 16 के भी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। डेमन को स्पॉट किया जाएगा। सचिन विद दैट ब्यूटीफुल M4 4x स्कोप, अच्छा एक स्प्रे कनेक्शन बनाएंगे। एंड अभी के लिए फिर से डेमन को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। यहाँ पे किंग एस भी डाउन हो रहा है। गॉडेल का टीम फिर से और एक बार फाइट्स के अंदर आ रहा है। एंड एक बार नजर डालेंगे गॉडेल के ऊपर, क्योंकि ST8 ब्लेजी 2 OP वहाँ पे मौजूद है। किंग एस यहाँ पे डाउन हो चुका है एंड गॉडेल के तरह से यहाँ पे बचे रहेंगे एस पावर अकेला खिलाड़ी बचे रहेंगे। एंड देयर यू गो, एस पावर भी यहाँ पे एक अच्छा क्लच करके जाएंगे। 3 किल्स इनके खाते में रहेगा एंड गॉडेल के खाते में रहेगा ओवरऑल 11 किल्स। एंड साथ ही साथ यहाँ पे रैयद एंड अलादीन दोनों को यहाँ पे एक अच्छा रिवाइवल मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ जोन के अंदर भी अभी के लिए मौजूद है। सो डेफिनेटली दे कैन गेट कीप द टीम्स हु आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी टीम्स यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर नहीं है। सो अभी के लिए गाइस 10 टीम्स आर अलाइव एंड 34 प्लेयर्स आर अलाइव। 10 टीम 34 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं। 30वां सर्कल यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज इन हो चुका है एंड 4th सर्कल यहाँ पे बनेगा। सर्कल का शिफ्ट यहाँ पे कट काके साउदर्न एरियाज के ऊपर एंड क्वेरी के नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर जाएगा, जहाँ पे एक हिली एरिया अभी के लिए मौजूद है। NRX के पास चलेंगे तो NRX के साथ यहाँ पे अभी के लिए टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ही हम बोल सकते हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का एक अच्छा फाइट चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ब्लेजी को इन्होंने गवाया है, बट स्टिल यहाँ पे सांगवन, फ्यूर्स एंड ज़िगॉड ये तीनों खिलाड़ी अभी के लिए बचे रहेंगे। यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट संभव वहाँ पे अभी के लिए कोई नॉकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। NRX के डॉन गॉड की बात करेंगे, रेंगते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करीब आ चुका है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जल्द ही एक धप्पा दे सकते हैं, बट फियर्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा करीब मौजूद रहेंगे। जो बंदा यहाँ पे पहले साउंड सुनेगा, स्पॉट करेगा, उसको खाते में जाएगा ये वाला किल।
गाइस जो भी यहाँ पे स्ट्रीम के ऊपर पहली बार आए हो, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द लाइक बटन इफ यू लाइक इट। सी गॉड अभी के लिए बचे रहेंगे, बट सी गॉड गोज डाउन, यहाँ पे फियर्स अकेला खिलाड़ी बच जाएंगे एंड वहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के साथ भी एक अच्छा फाइट चलेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर टीम टू की बात करेंगे, दोनों तरह से यहाँ पे थोड़ा सा सैंडविच हो चुका है एंड फियर्स को भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा एंड फाइनली यहाँ पे फियर्स का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। एक्वानॉक्स गोज डाउन, पीछे गॉडेल का टीम मौजूद है, गॉडेल यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुका है एंड आते ही यहाँ पे एक्वानॉक्स को डाउन किया जा चुका है। हराई पे एटलास ऑल्सो गोज डाउन, यहाँ पे एटलास का किल सिक्योर करने से पहले ही यहाँ पे आई थिंक उनका किल स्टील हो जाएगा एंड इनके सामने एनआरएक्स के खिलाड़ी मौजूद है जहाँ पे डॉन गॉड अभी के लिए डाउन है। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी लो ऑन हेल्थ राइट नाउ, रिवाइवल इनको जरूर मिल जाएगा बट यहाँ पे अगर आरआईपी टेम्पेस्ट कुछ शॉट्स लेते हैं तो वहाँ पे वेकल एक्सप्लोशन के चलते माइट भी एलिमिनेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। कितने भी मैसेज चैट्स डिलीट कर देना पर बेस्ट ओपी कास्टर रहेगा मायावी ही। हाँ वो तो बात ही है भाई, मायावी ब्रो इस गुड कास्टर ब्रो, उनसे हम सीखते हैं। और भाई क्या बोल रहे हो आप, कहाँ मेरे साथ उनका क्या ही बोले आप लोगों को, इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई कास्टिंग। हाँ जरूर सर, लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर हो पाएगा बट अभी के लिए एनआरएक्स की बात करेंगे। यहाँ पे अकेला खिलाड़ी बच जाएंगे, 1v1 का एक अच्छा फाइट किलवा गोज डाउन, यहाँ पे रायत को भी डाउन कर जाएंगे, 1v1 यहाँ पे बचे रहेगा, पीछे से अलादीन आएंगे एंड अलादीन यहाँ पे फाइनली फिनिश ऑफ करके लेकर जाएंगे एंड इसी के साथ फिनिश ऑफ हो जाएगा टीम एनआरएक्स भी। गॉडेल की बात करेंगे, यहाँ पे रैयत को भी फिर से और एक बार रिवाइव मिल जाएगा, 16 किल्स ऑलरेडी टेकन बाय टीम गॉडेल एंड स्टिल इनके तीनों के चारों के अंदर तीनों खिलाड़ी जीवित है। सो आगे का जो फाइट्स है फिर से और एक बार अच्छे तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं बट अभी के लिए इनके ऊपर शॉट लिया जाएगा। लाइफ क्राफ्ट की बात करेंगे, मायांक यहाँ पे मौजूद है, लाइफ क्राफ्ट के सचिन एंड साथ ही साथ शिनचैन भी बचे रहेंगे। 5वां सर्कल के अंदर एक अच्छा पोजीशन अभी के लिए बना सकते हैं। आरआईपी टेम्पेस्ट की बात करेंगे, फिलहाल गॉडेल के ऊपर दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अकेला खिलाड़ी यहाँ पे जीवित रहेंगे, शेक का एक हिस्सा रहेगा इनके पास बट देखते हैं। अभी के लिए नगमा के टीम अभी फाइट्स के अंदर आएंगे जहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के मायांक गोज डाउन, यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट के लिए इस बार थोड़ा सा दिक्कत होगा, काफ़ी ज़्यादा ओपन में यहाँ पे फंस चुके हैं जहाँ पे डाउन किया जाएगा। एनिग्मा की बात करेंगे, इनके पास एक अच्छा एडवांटेज रहेगा क्योंकि इनके चारों के चारों खिलाड़ी यहाँ पे जीवित हैं एंड चारों खिलाड़ी के साथ अगर आप इन सर्कल में सर्वाइव कर जाते हो तो एक अच्छा एडवांटेज आपको जरूर मिलता है। एनिग्मा गेमिंग की बात करेंगे, सारंग अभी के लिए लाइफ क्राफ्ट के सिंचैन को करेंगे डाउन, साथ ही साथ सिंचैन को वहाँ पे फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। लाइफ क्राफ्ट के खाते में भी यहाँ पे किल्स आ रहे थे बट कहीं ना कहीं वहाँ पे एनिग्मा उसके ऊपर एक ब्लॉकेज कर देंगे। ओके 5वां सर्कल यहाँ पे धीरे धीरे क्लोजिंग हो रहा है, 5 टीम्स अलाइव है, 16 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं एंड आरआईपी के साथ यहाँ पे फिर से गॉडेल का फाइट हो रहा है। किलवा गोज डाउन, यहाँ पे रैयत को भी डाउन किया जाएगा, टेम्पेस्ट यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे बट अलादीन को भी वहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा। पीछे से फ्यूचर स्टेशन की टीम वहाँ पे एलिमिनेट करेंगे एंड फ्यूचर स्टेशन के भी खाते में जाएंगे कुछ और किल। फ्यूचर स्टेशन हैविंग 10 किल्स ऑन देयर पॉकेट एंड इनके भी चारों के चारों खिलाड़ी यहाँ पे जीवित रहेगा। यहाँ पे 3 टीम 12 खिलाड़ी जीवित है जहाँ पे एनिग्मा की बात करेंगे, एनिग्मा के तरह से चारों खिलाड़ी जीवित है, एनिग्मा के तरह से बिलीव साथ ही साथ शैडो सारंग एंड क्या हुआ और चूजन जीवित रहेंगे। फ्यूचर स्टेशन के पुकार गमला बॉय बीटीआर से ऑफर एंड SP4D क्या नाम है इनका, ये भी अभी के लिए बचे रहेंगे। टीम नंबर 13 की बात करेंगे, फिनटॉक्स के एक्सप्लिसिट आरआईपी स्क्वाड करण आर्टिमस एंड MGZ रौनक, ये चारों खिलाड़ी यहाँ पे जीवित है। 4v4v4v का ये फाइट रहेगा। एंड सर्कल की बात करेंगे, 6ठा सर्कल यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, 20 सेकंड्स दे हैव द टाइम टू गाइस। अभी
अभी के लिए गाइस छठा सर्कल भी यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। पुकार अभी के लिए सारंग को करेंगे डाउन, एक अच्छा नॉकआउट यहाँ पे लेकर जाएंगे। एंड ये टाइम पे नॉकआउट होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है टीम्स के लिए। एंड अभी के लिए एक अच्छा नॉकआउट यहाँ पे जरूर निकाले हैं। एंड बैक टू बैक से यहाँ पे नीड्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे छोर से आपको फिनटॉक्स के खिलाड़ी मौजूद नजर आएंगे जो भी यहाँ पे है, सारे के सारे टीम्स यहाँ पे आपको स्मोक्स करते हुए नजर आएंगे। बट ये नेड गमला बॉय का नेड जाएगा, शेडो गोज डाउन। क्या हुआ हुआ सूजन गोज डाउन, वहाँ पे शेडो ऑलरेडी डाउन थे, सो शेडो का यहाँ पे हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। एंड क्या हुआ हुआ सूजन वहाँ पे बचे रहेंगे, विंटॉक्स की बात करेंगे। आर्टिमस को रन, साथ ही साथ एक्सप्लिसिट एंड रौनक वहाँ पे बचे हुए हैं। चारों के चारों खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं आर्टिमस के सामने। जस्ट लेफ्ट पे यहाँ पे बीटीआर से ऑफर बचे रहेंगे, बीटीआर से ऑफर उनको करेंगे स्पॉट एंड इसी के साथ शॉट लिया जाएगा, टेक हिम डाउन। एंड कहीं ना कहीं विंटॉक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में आ रहे हैं। सर्किल के अंदर एक अच्छा पोजीशन अभी के लिए गमला बॉय होल्ड कर रहे हैं। एंड सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं जो जोन के बाहर से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक अच्छा डैमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड फिर जाके वो लोग उनका भी डैमेज डील कर रहे हैं। एंड आखिर में जाके जब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तब जाके फ्यूचर स्टेशन वो किलर इसीलिए अपने खाते में लेकर जा सकते हैं। सातवां सर्किल यहाँ पे 30 सेकंड्स के अंदर क्लोजिंग होने वाला है। तीन टीम 10 खिलाड़ी यहाँ पे जीवित हैं। एंड अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं वो फ्यूचर स्टेशन के आगे हैं, उनको पीछे से कोई बैक स्टेप करने वाला टीम्स नहीं है। सो उनको जो फाइट्स लेना है वो आगे ही लेना पड़ेगा। MGZ के रौनक, एक्सप्लिसिट एंड स्क्वाड करण, ये तीनों खिलाड़ी बचे रहेंगे। एनिग्मा की तरफ से बिलीव एंड क्या हुआ हुआ शोजन एंड फ्यूचर स्टेशन चारों खिलाड़ी के साथ अभी भी जीवित है। उसको नॉक कर दे, मतलब उसको नॉक कर देगा। अरे यार लगा कोई ना, मेरे डब्बे में भी 5 है ठीक है, तो लास्ट में उठाइयो। वो देख राइट में भी मैंने 2 गिराए थे, बैठ ले, बैठ के जा, बैठ सकता है ना तू, बैठ के जा। लास्ट है वैसे भी, ट्राई करो उठाने का। ठीक है आ रहे पे ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ हुआ चोजन वहां पे स्पॉटेड हो जाएंगे, उनका फिनिश ऑफ किया जाएगा। एंड फाइनली विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम फ्यूचर स्टेशन। सो यहाँ पे फाइनली टीम फ्यूचर स्टेशन पहली मैच का आज के दिन का 1M मिनी शोडाउन के पहले मैच का यहाँ पे चिकन डिनर लेकर जाएंगे। एंड देयर यू गो, चिकन डिनर यहाँ पे जाएगा फ्यूचर स्टेशन के खाते में। टोटल किल्स की बात करेंगे, इनके पास रहेगा टोटल 6-6, 12-5, 17 किल्स। चिकन डिनर दे हैव टेकन फ्रॉम दिस मैच। एंड एक अच्छा बूस्ट यहाँ पे मिलेगा, 17 किल पॉइंट, साथ ही साथ 15 पोजीशन पॉइंट, लगभग टोटल 32 पॉइंट्स इनके खाते में ऐड होंगे। एंड पॉइंट टेबल की बात करेंगे, पॉइंट टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगी ये टीम। एनिग्मा गेमिंग आपको नजर आएंगे सेकेंड पोजिशन के ऊपर, टोटल 6-7, 6-3, 9 किल्स इनके पास भी रहेगा। फिनटॉक्स के पास अभी के लिए रहेगा टोटल 5 किल्स। दे आर कमिंग ऑन द थर्ड पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे गॉडल फिनिश ऑफ करेंगे। एंड गॉडल के खाते में भी अच्छे किल्स थे, जी हाँ, गॉडल के खाते में भी टोटल 17 किल्स रहेंगे। RIP ऑफिशियल की बात करेंगे, दे आर ऑन 5th पोजीशन विद द टोटल 6 किल। लाइफ क्राफ्ट ऑन 6th पोजीशन विद द 4। एनआरएक समहाउ मैनेजेस टू एंटर इन टॉप 7 विद द 5 किल्स। एंड बाकी रिजल्ट्स मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड जो भी बंदा यहाँ पे चैनल के ऊपर पहली बार आया हो, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो। सो अभी के लिए गाइस ले रहे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के उस पर मिलते हैं हमारे मैच नंबर 2 के साथ। टिल देन गाइस, यू गाइस एंजॉय द म्यूजिक, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी बैक।
Thank you.
हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन विद पबजी मोबाइल 1 मिनी शोडाउन सीजन 0 डे 2 के मैच नंबर 2 के साथ आपका फिर से और एक बार हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड कास्टर एके टेंजित गेमिंग, वेलकम यू वंस अगेन गाइस। एंड सभी लोग जो लोग अभी देख रहे हो, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम के ऊपर। एंड जो लोग ज्वाइन किए हो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। यहाँ पे ग्राफिक्स HD पे रखते हैं एंड अगर अब दिक्कत हुआ तो फिर जाके स्मूथ कर देंगे, नो इशू ऑन दैट टॉपिक। बट यहाँ पे फ्लाई पाथ डेफिनेटली देखना पड़ेगा किस हिस्से से जाता है। एंड ये मैच की बात करेंगे, डेफिनेटली इस मैच पे 84 प्लेयर होना चाहिए था, दो खिलाड़ी यहाँ पे बस जुड़े नहीं हैं हमारे साथ। सो यहाँ पे 82 प्लेयर्स के साथ ही ये मैच का शुरुआत यहाँ पे हो चुका है। एंड फ्लाई पाथ यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। एंड फ्लाई पाथ की बात करेंगे, एक साउदर्न एरिया के फ्लाई पाथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वेल्डेमार के ऊपर से। फ्लाई पाथ अभी के लिए इम्पाला तक जाने वाला है, वेल्डेमार चुमाचेरा लॉस लियोंस का ये एरिया कवर करते हुए इम्पाला एंड पोर्टो बरिसो के बीच में जाके ये फ्लाई पाथ अभी के लिए बेसिकली एंड होने वाला है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ साउथ एरियन फ्लाइट पास, तो जो नॉर्दर्न एरियाज पे टीम्स प्रेफर करते हैं उतरना, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ ज़रूर होगा। लाइक दोस टीम हुआ गोइंग्स टू एल पोजो कैटा फेल्स, साथ ही साथ टोरे अमूदा क्रूजडे वेल के एरियाज जो जो टीम्स जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिक्कत जो है फेस करना पड़ेगा व्हीकल्स का। एंड सैन मार्टिन भी वहाँ पे ग्लाइड करके जाना भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे टीम्स कैसे ये फ्लाई पाथ के बेसिक पे उतरते हैं एंड कहाँ कहाँ पे वो लोग जाना पसंद करते हैं एंड देन कैसे वो लोग लूट करके आगे का जो फाइट है वो निकाल पाते हैं। तो मैच का यहाँ पे शुरुआत हो चुका है, फ्लाई पाथ लगभग यहाँ पे एंड होने वाला है। एंड यहाँ पे फ्लाई पाथ एंड होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन कौन से जो एरियाज है जहाँ पे ये सारे टीम्स अभी के लिए उतरेंगे एंड अच्छा एक फाइट लेने के लिए तैयार होंगे। सो फ्लाई पाथ यहाँ पे फाइनली जाके एंड हो चुका है एंड यहाँ पे हमें काफ़ी जल्द ही एक सर्कल का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। एंड सर्कल यहाँ पे कहाँ पे बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के लिए लॉस लियोंस का जो एरिया है उसके साउदर्न एरियाज में आपको मिल जाएंगे दो टीम। एंड सर्कल की बात करेंगे, सर्कल यहाँ पे बनेगा मैप के नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर। अभी के लिए फ्यूरी XD के ऊपर हम जाना चाहेंगे, फ्यूरी XD यहाँ पे मौजूद है, विजन OP को एलिमिनेट किया जाएगा, 1M ऑफिशियल के 0, 1M के 0 यानी कि हमारे मैनेजर भैया फ्यूरी XD एंड साथ ही साथ MGZ तनाया आपको मिल जाएंगे। ये तीनों खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद यहाँ पे है एंड इनके सामने अगर हम बात करेंगे इनके ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे काफी सारे टीम है, एक 1v1 अच्छा फाइट निकालेंगे एंड डेफिनेटली इट इज अ 1v2 फाइट जहाँ पे लिटरली हाउ ही सर्वाइव 1 HP भी नहीं था वही HP पे वो सर्वाइव किए, दोनों खिलाड़ी को नॉकआउट किए। एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इनके जो खिलाड़ी है ये कब तक यहाँ पे आ पहुँचते हैं। तनाया वहाँ पे जरूर आई थिंक कोशिश किए थे, उनके पास भी एक विंचेस्टर रहेगा, उसके साथ यहाँ पे फाइट लेना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट शुरुआत भाई कसम से काफी जबरदस्त यहाँ पे हुआ है, 1v2 एंड वहाँ पे डॉट HP पे सर्वाइव किए थे। अगर उनके पास HP रहता तो डेफिनेटली ये फाइट 1v3 भी वो निकाल सकते थे। अभी के लिए 0 एंड तनाया ये कंपाउंड के अंदर होल्ड करना पसंद करेंगे एंड ऊपर के लिए टीम नंबर 11 इनिशिएटिव स्पोर्ट्स की तरफ से वरदान दरियस गॉड जूनियर एंड ये चार खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद है, हील करना चाहेंगे जल्द से जल्द एंड फिर से फाइट्स के अंदर आना चाहेंगे। लाइफ क्राफ्ट के खिलाड़ी यहाँ पे फाइट्स के अंदर आ रहे हैं, NRX के पास जाएंगे तो NRX के खिलाड़ी भी यहाँ पे फाइट्स के अंदर आते हुए नजर आएंगे। बट फायरिस्ट टीम लाइफ क्राफ्ट के ऊपर जाएंगे, शिनचैन गोस डाउन, यहाँ पे मायंक सचिन एंड क्रेट बचे रहेंगे, मायंक एक अच्छा फाइट निकालेंगे, HR के कुदरत को अभी के लिए डाउन किया जाएगा। HR के खिलाड़ी की बात करेंगे, अदनान विल बी स्पॉटेड आउट देयर, अदनान को भी यहाँ पे डाउन किया जा सकता है, अभी के लिए कवर नहीं छोड़ना चाह रहे। बट यहाँ पे टीम HR इज रियली ऑन अ वेरी टफ मोमेंट राइट नाउ, अदनान यहाँ पे लिटरली 10 HP पे सर्वाइव कर रहा है, अदनान को स्पॉट किया जाएगा, लाइफ क्राफ्ट विल डोमिनेट ऑन दिस फाइट एंड इसी के साथ लाइफ क्राफ्ट के खाते में जाएगा 4 किल विद 1 कैजुअल्टी।
एनिग्मा गेमिंग एनआरएक्स एंड वहाँ पे और एक टीम मौजूद है, दैट विल बी टीम मेगा स्टार्स। अभी के लिए मेगा स्टार्स का आई गेस यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा एंड मेगा स्टार्स का जी नहीं, मेगा स्टार्स की तरह से वैक्सी जली एंड पैराडॉक्स भी ये तीनों खिलाड़ी अभी के लिए मौजूद रहेंगे। एनकोर वहाँ पे जरो डाउन हो गए थे बट अभी के लिए बाकी के साथ यहाँ पे आ चुका है पैराडॉक्स गोस डाउन, यहाँ पे वैक्सी बचे रहेंगे। पैराडॉक्स को रिवाइव देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बट फर्व गोस डाउन, यहाँ पे वैक्सी जाएंगे अंदर, एक और खिलाड़ी को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा एंड इसी के साथ जा सकते हैं। जो यूजुअल ड्रॉप लोकेशन है वहां पे आपको ये टीम अभी के लिए नजर आएंगे। पिकाडो की बात करेंगे, नियोन ओमेगा साधन जनी ये जो किटकैट का लाइनअप है यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ इनिशिएटिव स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो टीम नियॉन को डाउन किया जाएगा, एक अच्छा एरिया के ऊपर से नियॉन को डाउन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर टीम नंबर टू की बात करेंगे तो टीम नंबर टू के भी खिलाड़ी वहां पे एक एक करके डाउन हो चुके हैं। ब्लेजी को वहां पे डाउन किया जा चुका है, ब्लेजी का वहां पे एलिमिनेशन भी हो सकता है एंड आई थिंक वहां पे ब्लेजी को रिवाइव देना मुश्किल रहेगा एंड ब्लेजी का वहां पे एलिमिनेशन हो चुका है। सुगर डैडी यानी कि सांगवान अकेला खिलाड़ी बचेंगे, अच्छा नेड जेनी गोस डाउन, जेनी को डाउन किया जा चुका है। वहां पे ओमेगा अभी के लिए रिवाइवल देते हुए आपको नजर आएंगे, जेनी को यहाँ पे रिवाइवल मिल जाएगा तो फाइट फिर से एक अच्छा एरियाज के ऊपर आ जाएगा। बस साथ यहाँ पे नीचे मौजूद है, साथ अभी के लिए सांगवान को करेंगे फिनिश ऑफ एंड इसी के साथ दे हैविंग टोटल 3 किल्स ऑन देयर पॉकेट विदाउट एनी कैजुअल्टी। साथ ही साथ यहाँ पे इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के भी प्लेयर्स पुश इन कर सकते हैं एंड यहाँ पे दरियस गॉड जूनियर साथ ही साथ वरदान एंड डोमो पे अभी के लिए मिल जाएंगे। गाइस नॉइस आ रहा है क्या आपको बैकग्राउंड पे, बताना जरा मेरे को। ओके सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टीम इनिशिएटिव स्पोर्ट्स का तो इनिशिएटिव स्पोर्ट्स अभी के लिए ग्राउंड लेवल के अंदर मौजूद है, आपको किटकैट मिल जाएंगे ऊपर के एरियाज के अंदर एंड 4v4 का ये फाइट है, अच्छा वे पे निकल के जा सकते हैं। दरियस गॉड को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दिया जाएगा बट अभी के लिए नॉकआउट हमें देखने को नहीं मिलेगी। आई किट ओमेओपी की बात करेंगे, यहाँ पे जरूर आ चुके ओमेगा, यहाँ पे एक अच्छा नेट कर सकते हैं, नेट यहाँ पे जाएगा, नेट यहाँ पे फूटेगा बट सही टाइम पे वहाँ पे दरवाजा बंद करके अंदर के तरह चले जाएंगे तो अभी के लिए समहाउ ही विल सर्वाइव। दो मूवी को भी पता है कि सामने जस्ट बैल्कनी में यहाँ पे एक खिलाड़ी है बट नियॉन अभी के लिए डरियस गॉड को डाउन करेंगे। इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के जूनियर आल्सो गोज डाउन, यहाँ पे दो मूवी एंड वरदान ये दोनों खिलाड़ी बचे रहेंगे। वरदान के हाथ में एक अभी के लिए आपको माइक्रो उजी मिल जाएंगे बट ही आल्सो गोज डाउन, दो मूवी विल बी द लास्ट गाय रिमेनिंग ऑन दिस फाइट एंड इनिशिएटिव स्पोर्ट्स ऑन अ बिग ट्रबल राइट नाउ। वरदान का एलिमिनेशन, दरियस गॉड का एलिमिनेशन, जूनियर 69 स्टिल सर्वाइविंग बट यहाँ पे दोनों तीनों चारों खिलाड़ी एक साथ पुश करेंगे, दोनों खिलाड़ी को यहाँ पे संभव डाउन भी किया जाएगा बट जेनी आएंगे पीछे से एंड सीधा टीम को करेंगे यहाँ पे एलिमिनेट। जेनी दीदी यहाँ पे लेकर जाएंगे अपने खाते में टोटल 2 किल एंड यहाँ पे अगर हम टीम किटकैट की बात करेंगे तो टीम किटकैट ऑलरेडी हैविंग टोटल 7 किल्स ऑन देयर पॉकेट विदाउट एनी कैजुअल्टी। 50 people are watching right now. If you guys are new on this channel, guys, so make sure to hit that subscribe button. And if you like my casting, if you like the management, if you like 1M, then make sure to hit that like button of the stream also. अभी के लिए किसी और जगह पे भी हम जा सकते हैं जहाँ पे fight initiate हो रहा है and पुआली ओपी, पुआली माइसेल एंड डेमन ये तीनों खिलाड़ी अभी के लिए आपको इम्पाला के ऊपर नजर आएंगे एंड फिनटॉक्स का प्लेयर्स यहाँ पे इम्पाला के ऊपर मौजूद है। फिनटॉक्स की तरह से आर्टिमस यहाँ पे अभी के लिए का नेट जरूर कुक करेंगे, नेट का एरिया काफी सही हुआ था बट जस्ट दूसरे कंपाउंड पे वहाँ पे रहेंगे। आर्टिमस के सामने यहाँ पे पुवाली एंड माइसेल रहने वाले, आर्टिमस एक खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, यहाँ पे माइक्रोवूसियंस कारल का इस्तेमाल कर रहे हैं, संभव यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज भी प्रोवाइड करेंगे बट यहाँ पे नॉकआउट हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक्सप्लिसिट के पास एक मौका है यहाँ पे पीछे से डाउन करने का, पुवाली को स्पॉट किया जाएगा, पुवाली गोज डाउन, माइसेल वहाँ पे बचे रहेंगे, माइसेल अभी के लिए कंपाउंड के अंदर है सो ही विल बी काइंड ऑफ सेफ राइट नाउ बट कब तक सेफ रहेंगे। आईपी स्पॉट करन गोज डाउन, डेमन को भी वहाँ पे डाउन किया जा चुका है सो माइसेल अभी के लिए अकेला बंदा जो यहाँ पे जीवित रहेगा। आर्टिमस कोई ना कोई टाइम मतलब यहाँ पे पुश करेगा सो माइसेल का यहाँ पे एलिमिनेशन एकदम निश्चित है।
और अभी के लिए एक खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा। प्रोन शॉट के चलते ये नॉकआउट जरूर निकाले थे बट आर्टिमस वहां पे बच जाएंगे एंड यहाँ पे फाइनली फिनिश ऑफ किया जाएगा एंड इसी के साथ फिनटॉक्स के खाते में जाएंगे टोटल 3 किल। हेलो डीटी निर्मल वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो प्रो बॉडीज नो वेलकम टू द स्ट्रीम। शो फ्यूचर स्टेशन, अच्छा फ्यूचर स्टेशन के पास भी जाएंगे, वर्कआउट्स के पास भी जाएंगे, वर्कआउट्स के पास एक बार चलते हैं। तो यहाँ पे है टीम वर्कआउट्स जहाँ पे आपको मिस्टर स्प्रे, बियर्ड बाबा, युवा ओपी वाईटी एंड ओजेड किरीटो ये चारों खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे एंड इसके बाद हम चलेंगे टीम एफएस के ऊपर। एंड गाइस आप लोग भी जो चैट सेक्शन के ऊपर हो आप लोग भी डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हो आपके फेवरेट टीम के नेम एंड डेफिनेटली आप जिस टीम को बोलोगे उस टीम्स को हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे एंड साथ ही साथ सारे के सारे फाइट्स कवर भी करने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली आप लोग चैट सेक्शन को एक्टिव रख सकते हो, बता सकते हो हमें। फ्यूचर एफएस एफएस एफएस, ओके सो हियर वी गो। एफएस की टीम आपको नजर आएंगे अभी के लिए एल्पोजो के ऊपर है एंड एफएस की बात करेंगे ऑस्टिन बॉडेक्स 21, फ्यूचर स्टेशन गमला बॉय, एफएस पुकार एंड साथ ही साथ बीटीआर से ऑफर। ये मुझे गाइस आप बताना कि ये बीटीआर से ऑफर ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है। ये चारों खिलाड़ी अभी के लिए जोन के बाहर रहेंगे, जोन का शिफ्ट यहाँ पे जाएगा कहीं ना कहीं कैटरफेल्स सैन मार्टिन हशियांडर अल पेट्रॉन वाटर ट्रीटमेंट पावर ग्रेड का एरियाज अभी भी जोन के अंदर रहेगा। स्नैक्स को दिखाओ, स्नैक्स इज नॉट प्लेइंग ब्रदर, TSM इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग। TSM की तरह से बस जी गॉड खेला था वो भी लास्ट मैच में ऑन द स्लॉट्स ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स सांगवान के साथ, बट इस मैच पे वो लोग नहीं खेल रहे। वर्कआउट तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं बट साउदर्न एरिया के ऊपर हमें कुछ क्लस्टर्ड देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे ओमेगा की बात करेंगे। अकेला ये बंदा अभी के लिए ये मिराडो उठा चुके हैं रोटेशन देने के लिए, एक अच्छा वे देख रहे हैं जहाँ से ये अपना टीम को कॉल देंगे कि भैया आप आ जाओ, यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए। एंड फाइनली आई थिंक कहीं ना कहीं इनको ये पोजीशन अभी के लिए अच्छा लग चुका है, यहाँ पे होल्ड करने का डिसीजन भी ले सकता है बट अभी के लिए एलिमेंट के जॉर्ड गोज डाउन। एलिमेंट यहाँ पे फाइट्स के अंदर आ रहा है जहाँ पे वन नेम ऑफिशियल विल टेकिंग दिस फाइट विथ टीम एलिमेंट एंड यहाँ पे वन नेम ऑफिशियल के दोनों खिलाड़ी हो चुके हैं डाउन। अकेला खिलाड़ी यहाँ पे बचे रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे वन एम ऑफिशियल के लिए फिर से और एक बार होने वाला है। स्मोक यहाँ पे जरूर कर रहे हैं बट कैन दिस स्मोक बी एनफ फॉर सर्वाइविंग हिम ऑन दैट पोजीशन, बट ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा अभी के लिए। एलिमेंट की बात करेंगे, गब्बर एवीएस जॉर्ड एंड हेक्टर चारों के चारों खिलाड़ी यहाँ पे जीवित एंड ग्राउंड लेवल के अंदर यहाँ पे ये टीम के खाते में आपको अभी के लिए 4 किल देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे है ना देविल को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। तो वन एम ऑफिशियल यहाँ पे इस मैच पे 15 पोजिशन पे आपको एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। दूसरा जो सर्किल है यहाँ पे 50 सेकेंड्स के अंदर क्लोजिंग होने वाला है, 14 टीम्स आर लाइव राइट नाउ ऑन दिस मैच, 53 प्लेयर्स अभी भी बचे हुए हैं। दूसरा जो सर्किल है यहाँ पे धीरे धीरे क्लोजिंग हो रहा है एंड सेंटर की बात करेंगे, सेंटर में आपको गॉडल मिल जाएंगे, इनसेन के टॉप डॉग भी मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ वहाँ पे एक ईयर ड्रॉप भी आ चुका है। तो ईयर ड्रॉप को लेकर यहाँ पे डेफिनेटली एक फाइट इनिशिएट हो सकता है एंड टॉप डॉग की बात करेंगे, टॉप डॉग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। रैयत को स्पॉट किया जा चुका है, रैयत को यहाँ पे शॉट दिया जाएगा, देयर यू गो रैयत गोज डाउन, टॉप डॉग विद दिस ब्यूटीफुल एस्केप सिंगल टैप शॉट, यहाँ पे टीएमआर का एक अच्छा प्रदर्शन रैयत गोज डाउन। कॉडल 39 को वहां पे आईटी प्रिंस करेंगे डाउन एंड टीम इनसेन यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना चुका है जहां पे 2 नॉक्स इन्होंने कॉडल का निकाल चुका है। सो दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पुश ऑन कॉडल राइट नाउ। एस पावर यहाँ पे पीछे के हिस्से पे रहेंगे, साथ ही साथ अलादीन की बात करेंगे तो अलादीन भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दूर रहेंगे अभी के लिए। यहाँ पे रैयत को फिनिश ऑफ किया जाएगा अभी के लिए, एक एस पावर नेड जरूर कुक कर चुके, ये नेड कनेक्शन बना के जा सकता है, नेड यहाँ पे फेंका जाएगा, डाउन नहीं होंगे बट किलियोआ विल टेक अ नॉकआउट आउट देयर। किलियोआ यहाँ पे एक अच्छा 1v1 फाइट निकाले हैं, पावर हाउस को डाउन किया जाएगा, आईटी प्रिंस पीछे से आएंगे रिटेलिएशन फायर के चलते, किलियोआ गोज डाउन। यहाँ पे कहीं ना कहीं अलादीन अभी भी जीवित है एंड ही कैन डू अ 1v4 आउट देयर। आईटी प्रिंस को स्पॉट किया जाएगा, शॉट्स भी लिया जाएगा बट आईटी प्रिंस का शॉट वहां पे पहले कनेक्शन बनाएंगे एंड इसी के साथ कॉडल का भी हमें यहां पे एलिमिनेशन इस मैच में देखने को मिलेगा। एंड ये मैच ऐसा है कि जहां पे काफ़ी अर्ली कॉडल का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है।
लास्ट टाइम गॉडेल फोर्थ पोजीशन पे आया था, उनके पास टोटल 17 किल था इरेंगल वाला मैच में, मैच नंबर वन में। एंड मैच नंबर टू में कहीं ना कहीं ये फाइट थोड़ा सा फीका रह गया, एंड यहाँ पे अभी के चलते ये मैच पे एलिमिनेट हो चुके हैं। बट वी विल डेफिनेटली सी देम ऑन द वेरी नेक्स्ट मैच, जहाँ पे वो लोग डेफिनेटली एक अच्छा कमबैक प्रदर्शन हमें दिखाएंगे। अभी के लिए गाइस कौन से टीम के पास चलते हैं, चलते एक बार सिनर्जी के पास। सिनर्जी के तरह से आपको बेटियर क्लाउड सेरवीस क्रिल्स एंड वासु मिल जाएंगे। वासु के हाथ में अभी के लिए एसकेएस मौजूद है, जेनी को वहाँ पे स्पॉट किया जा चुकी थी, बट यहाँ पे हाँ क्या बोल रहा हूँ, जेनी को वहाँ पे स्पॉट किया जा चुका था, बट कहीं ना कहीं अभी के लिए अपना पोजिशन रिवील नहीं करना चाह रहे जब तक वहाँ पे पूरा नॉक एंड फिनिश कन्फर्मेशन नहीं मिलता। आई थिंक वहाँ पे शॉट्स नहीं लेना चाहिए। बट नियॉन को एक बार मैं देखना चाहूँगा, एंड नियॉन क्या नियॉन वहाँ पे स्पॉट किए हैं? जी हाँ, नियॉन यहाँ पे सिनर्जी का जो हरकत है वो डेफिनेटली स्पॉट कर चुके हैं। सो फाइनल यहाँ पे जो मौका है, तो दोनों ही टीम्स आर डेफिनेटली कैन टेक सम फाइट्स आउट देयर। अमित भाषा वर्कआउट्स ओपी, वर्कआउट्स के पास चलते हैं। चलो वर्कआउट्स आपको एक नॉर्दर्न रोटेशन के चलते अभी के लिए सेंटर ऑफ द जोन मिल जाएंगे। गेम्स और टेक भाई कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम। गेम तो भाई सब कुछ परफेक्ट है ना स्ट्रीम के ऊपर, कुछ भी आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो बताना प्लीज़। साउंड हाँ, अभी तो कंडेंसर माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपका मैनो वाला AU 04 ना जो आप बोला थे, तो कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहा है? वैसे मैं ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं किया है, जस्ट लगा के यूज़ कर रहा हूँ। बता सकते हो गाइस आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। अभी के लिए टीम फिनटॉक्स इज टेकिंग दिस फाइट ऑन दिस पोजीशन राइट नाउ। यहाँ पे 4A के खिलाड़ी मौजूद है, नेक्सस गोज डाउन, डिलॉन प्रज्वल गॉड एंड एकेन ओपी, ये तीनों खिलाड़ी अभी के लिए जीवित रहेंगे। इनके सामने फिनटॉक्स की बात करेंगे तो फिनटॉक्स के तरफ से चारों के चारों खिलाड़ी बचे रहेंगे। चाहे उसका नेड प्रज्वल गॉड गोज डाउन, चाओस आर्टिमस करण एंड एक्सप्लिसिट यहाँ पे मौजूद है। एलिमेंट के गब्बर भी मुझे कहीं ना कहीं पीछे नजर आए थे, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी फाइट्स वो लोग भी डेफिनेटली निकाल सकते हैं। डेरे को बताते ही यहाँ पे गब्बर लेकर जाएंगे किल, किल स्टील किया जाएगा, प्रज्वल गॉड का किल यहाँ पे गब्बर को मिलेगा। फिलहाल बैठ चुके हैं स्कारल के साथ, 4x लगा के 6x लगा के ऑल्सो स्पॉटेड हो चुके हैं, बट हेक्टर वहाँ पे अपने खान 98 के साथ कन्फर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। पूरेज वहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत में, बट गब्बर का यहाँ पे एक अच्छा स्प्रे आएगा, एक्सप्लिसिट गोज डाउन, साथ वहाँ पे सिनर्जी के खिलाड़ी को डाउन कर रहे हैं। तो किटकैट भी यहाँ पे एक फाइट के अंदर इनिशिएट हो चुका है, जहाँ पे किटकैट के साथ सिनर्जी का फाइट हो रहा है। सिनर्जी के तरह से स्क्रेल का किला बच जाएंगे, तीनों खिलाड़ी इनका डाउन हो चुका है। समहाउ मैनेजेस टू टेक आउट डाउन ऑन ओमेगा, यहाँ पे साथ जेनी एंड नियॉन बचे रहेंगे, वेकल एक्सप्लोशन होगा एंड पूरा टीम का यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। पूरा टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके भी साथ एंड ओमेगा जो है, ये दोनों खिलाड़ी अभी के लिए डाउन है। इन दोनों को अभी के लिए जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा। फिलहाल तीसरा वाला सर्कल के एकदम एज पे मौजूद है, 20-30 मीटर इनके आगे है जोन, एंड जोन के अंदर इनको जाना पड़ेगा। सर्कल का यहाँ पे शुरुआत हो चुका है, बट डेफिनेटली मेगा स्टार्स यहाँ पे आ चुका है। वैक्सी की बात करेंगे, AKM एंड M4 आपको उनके हाथ में देखने को मिलेगा, एंड पावर किट का जो एरिया है यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुका है। एंड एक अच्छा चीज़ यहाँ पे ये निकल के आता है कि मेगा स्टार्स इज इनसाइड द जोन राइट नाउ, मेगा स्टार्स हैविंग अ जोन एडवांटेज। जेली वहाँ पे अभी के लिए ओमेगा को डाउन करेंगे, एंड जेली एक दूर से अच्छा एंगल क्रिएट किए थे। वैक्सी यहाँ पे फाइनली चार्जिंग करने के लिए आपको नजर आएंगे, यहाँ पे अपना मिराडो के साथ ऑलरेडी और थोड़ा आगे आएंगे, एंड यहाँ पे व्हाट ही कैन डू जस्ट होल्ड डाउन ऑन दिस पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे गेट के सर्व कर सकते हैं। सात को यहाँ पे डाउन किया जाएगा, M4 ग्लेशियर यहाँ पे एक अच्छा इस्तेमाल, सात को डाउन, सात का यहाँ पे कंफर्मेशन भी हमें देखने को मिलेगा। दूसरे तरह से पैराडॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे क्लोज इन लिया जाएगा। जेनी वहाँ पे बचे हुए हैं, ओमेगा बचे हुए हैं, नियॉन बचे हुए हैं, 3v3 का ये फाइट हो सकता है। अभी के लिए वैक्सी को डाउन, वैक्सी को यहाँ पे जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा। समहाउ ओमेगा अभी के लिए अगर कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं, एंड ओके रूफटॉप चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा फाइट निकाल सकते हैं। ओमेगा अच्छा पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, पैराडॉक्स को वहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन कर सकते हैं, नेड जाएगा, पैराडॉक्स गोज डाउन, ये एक नेड अच्छा 100 IQ वाला ये नेड जाएगा। पैराडॉक्स को अभी के लिए 100 का डैमेज देंगे, एंड 100 वाले डैमेज से पैराडॉक्स हो जाएंगे डाउन, एंड इस बार पैराडॉक्स को रिवाइव देना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। जब तक यहाँ पे किटकैट मौजूद है तो किटकैट को एलिमिनेट इनको करना पड़ेगा, और बात है कि बहुत ही जल्द एलिमिनेट करना पड़ेगा तब ही जाके यहाँ पे पैराडॉक्स को रिवाइवल पॉसिबल हो सकता है। अहमद भाषा थैंक यू वेरी मच ब्रो।
ओमेगा ऑल्सो स्पॉटेड आउट देयर, जेनी को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है, न्यूयॉर्क यहाँ पे मौजूद है, ओमेगा को स्पॉट किया जाएगा, शॉट्स लिया जाएगा, बट समहाउ वहाँ पे ओमेगा अभी के लिए बच जाएंगे, पैराडॉक्स का खेल उनको कंफर्म यहाँ पे मिल जाएगा। ओमेगा यहाँ पे अपने खाते में एक किल और ऐड कर लिए है। नियॉन की बात करेंगे, नियॉन यहाँ पे मौजूद जरूर है, जेनी का रिवाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा। मायंक एंड जॉर्ड, मायंक अभी के लिए जॉर्ड को करेंगे डाउन, मीरा मीरा मार के अंदर अभी के लिए इनके पास एक मिराडो जरूर रहेगा, एंड मिराडो के साथ ये अभी के लिए जोन के एकदम प्रॉपर एज पे मौजूद है। एंड जो टीम यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आए थे लाइक टीम मेगा स्टार्स, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बैक स्टेप हो रहे हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल की बात करेंगे, फ्यूचर स्टेशन विल बी आउट देयर, फ्यूचर स्टेशन के गमला बॉय पुकार बीटीएस से ऑफर एंड ऑस्टिन बॉडिक्स आपको यहाँ पे मौजूद नजर आएंगे। एंड आप लोग गाइस जरूर बता सकते हो कि ये BTR से ऑफर ये कौन है, ये कौन है? एक सेकंड, वाओ 69 पीपल्स आर वाचिंग, 69 में वाचिंग फिक्स्ड भी है, अमेजिंग भाई। पर भी नहीं रहा है, कम भी नहीं रहा है, नया आए हो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बट अभी के लिए एक बार हम नजर डाल दें बैटमैन के ऊपर, बैटमैन या भी यूफा ओपी वाईटी के ऊपर अच्छा स्प्रे लेंगे। यूफा ओपी वाईटी समहाउ मैनेजेस टू सरवाइव, जी नहीं जी हाँ, कैसे ये सरवाइव कर गए थे, चलती हुई गाड़ी से यहाँ पे गिरे, वहाँ पे व्हीकल एक्सप्लोशन हुआ, बट समहाउ ही मैनेजेस टू सरवाइव। यहाँ पे ओजेड क्रेटो अभी के लिए एक्सप्लोशन के चलते हो जाएंगे डाउन, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम वॉकआउट जो है थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट पे आ जाएंगे। पलक झपकते यहाँ पे उनके दोनों खिलाड़ी हो चुके हैं डाउन। युवा ओबी वाईटी को यहाँ पे फिर भी रिवाइवल दिया जा सकता है, बट अबे ऑलरेडी छोड़ ही दो, क्रेटो तो ऑलरेडी फिनिश ऑफ ही हो चुके हैं। युवा ओपी वाईटी यहाँ पे एक अच्छा जगह पे आ चुका है जहाँ से उनको फिनिश आउट अभी के लिए नहीं किया जाएगा। एलिमेंट का टीम भी वहाँ पे फाइट्स के अंदर आ रहा है, एक बार नजर डालेंगे फिर से, चलो आते ही ओमेगा खत्म। 10 टीम 33 खिलाड़ी यहाँ पे जीवित है। पांचवा सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा ड्रास्टिक शिफ्ट लेगा, सैन मार्टिन के नॉर्दर्न एरियाज पे यहाँ पे सर्कल अभी के लिए बन चुका है। एंड अब मेगा स्टार्स की बात करेंगे, मेगा स्टार्स की तरफ से यहाँ पे डीटी जेली एंड वैक्सी ये दोनों खिलाड़ी अभी के लिए बचे हुए हैं। दस टीम 33 खिलाड़ी यहाँ पे जीवित है। पांचवा सर्कल एक मिनट के अंदर क्लोज इन हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं RIP हैविंग अ गुड एडवांटेज इन द सर्कल राइट नाउ। उनके तरफ कोई भी टीम नहीं है, लाइक उनके तरफ नहीं मतलब उनके पीछे कोई भी टीम नहीं है जो इनको बैक स्टेप कर सकते, बट डेफिनेटली दे कैन टेक सम फाइट्स आउट देयर। RPG एक्वानॉक्स को अभी के लिए डाउन करेंगे। सारंग एक अच्छा AWM का इस्तेमाल, टेम्पेस्ट को भी यहाँ पे शॉट कनेक्शन बनाएंगे, टेम्पेस्ट माइट भी गोज डाउन अभी के लिए बॉडी शॉट के चलते, नॉकआउट जरूर देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल वहाँ पे एक अच्छा शॉट कनेक्शन हमें देखने को मिला था। सरंग यहाँ पे तैयार जरूर है। एनिग्मा गेमिंग की बात करेंगे, इस मैच में भी कहीं ना कहीं इनके चारों के चारों खिलाड़ी टॉप 10 तक कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फिर से टेम्पेस्ट को स्पॉट किया जाएगा, 26 का डैमेज इस बार दे पाएंगे, इनके चारों के चारों खिलाड़ी जीवित है। बिलीव शैडो क्या होया, एंड एनिग्मा सरंग चारों खिलाड़ी जीवित है, एंड दे आर इन साइड द सर्कल, सो दे कैन डेफिनेटली गेट किप सम टीम्स तो हु आर आउटसाइड ऑफ द सर्कल अभी के लिए। फिनटॉक्स के पास आ चुका है, आर्टिमस यहाँ पे मौजूद है, 1v1 का फाइट रहेगा। सारंग माइट भी गोज डाउन, एंड देयर यू गो, सारंग गोज डाउन, सही टाइम पे यहाँ पे प्रोनिन कर चुके हैं आर्टिमस। यहाँ पे बाकी जो एनिग्मा के 3 खिलाड़ी हैं वो जल्द से जल्द चार्जिंग करेंगे, बट शैडो गोज डाउन, बिलीव यहाँ पे रहेंगे अभी के लिए। क्या हुआ, काफी ज्यादा पीछे के एरियाज पे रहेंगे बिलीव अपने M249 के साथ, दोनों नॉक यहाँ पे निकाल के देखा जाएंगे, तीसरा नॉक भी यहाँ पे निकाला जाएगा बाय बिलीव, एंड डेफिनेटली अ बेटर 1v3 क्लच बाय एनिग्मा बिलीव ऑन दिस पोजीशन। एक अच्छा 1v3 क्लच यहाँ पे करेंगे बिलीव, एंड इसी के चलते एनिग्मा के खिलाड़ी जरूर बच जाएंगे, बट रिवाइवल देना मुश्किल रहेगा। उनके बाहर है दोनों नॉकआउट प्लेयर्स, एंड उनको यहाँ पे रिवाइवल नहीं दिया जा सकता, तो एनिग्मा को आगे का जो फाइट है ये दोनों ही खिलाड़ी के साथ निकालना पड़ेगा। आरपीजी सवितार गोज डाउन, यहाँ पे किंग एस अकेला बचे रहेंगे टीम नंबर 15 के तरफ से, ST8 के तरफ से ये जो अकेला खिलाड़ी है ये अपने टीम को आगे लेकर जा सकता है अगर ये पीछे से जोन के अंदर एक अच्छा एंट्रेंस अभी के लिए ले लेते हैं। 7 टीम अभी भी जीवित है, 17 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं, एंड फ्यूचर स्टेशन यहाँ पे एक के बाद एक किल बटोरते जा रहे हैं। वैक्सी की बात करेंगे, वैक्सी यहाँ पे मौजूद है, वैक्सी के जस्ट आगे आपको मिस्टर स्प्रे नजर आएंगे, एंड ही इज ऑल्सो टेकिंग अ TPP आउट देयर।
आईटी प्रिंस का नेट जाएगा एक्वानॉक्स को डाउन। यहाँ पे आईटी प्रिंस का नेट पे पूरा आरआईपी ऑफिशियल के टीम जो है एलिमिनेट होते हुए हमें अभी के लिए नजर आएंगे। वैक्सी यहाँ पे मौजूद जरूर है, M4 इनके हाथ में है, आई थिंक कोई भी ग्रेनेड नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करते हुए हमें बहुत ही जल्द नजर आ सकते थे। 6 टीम 14 खिलाड़ी यहाँ पे टीम एनसेन की बात करेंगे, टॉप डॉग आईटी प्रिंस पावर हाउस एंड मैडमैन इस स्टिल सर्वाइव, 9 kills दे हैव टेकन सो फार। मिस्टर स्प्रे एक अच्छा फिनिश ऑफ वहाँ पे निकालेंगे, डीटी जेली को भी वहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा एंड इसी के साथ मेगा स्टार का वहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली मिस्टर स्प्रे एक अच्छा 1v2 फाइट निकालेंगे जिसके चलते इनके खाते में एंड इनके टीम के खाते में दोनों के खाते में अभी के लिए 2 kill आ जाएगा। 5 team 12 खिलाड़ी यहाँ पे जीवित है, छठा सर्किल यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज इन हो रहा है, 100 meters यू हैव टू मूव इनसाइड द जोन विदाउट व्हीकल्स यू आर नॉट सर्वाइव एनी मोर। 7 first aid है, हील बैटल करने का यहाँ पे डिसीजन लिए है एंड डेफिनेटली ये डिसीजन कितना अच्छा साबित होता है वो हमें देखना पड़ेगा। नॉक्ड आउट बाय दैट प्ली जोन, मैडमैन आल्सो गोज डाउन बाय दैट प्ली जोन, बट यहाँ पे आईटी प्रिंस का किलर लेकर जाएंगे। बिलीव यहाँ पे सिंगल टैप शॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे अगर देते हैं तो माइट बी वन प्ले डाउन, बट अभी के लिए बच जाएंगे। यहाँ पे पावर हाउस गोज डाउन एंड टीम इनसेन विल कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाई फ्यूचर स्टेशन ऑन दैट पोजिशन। फ्यूचर स्टेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे एक थर्ड पार्टी करेंगे एंड यहाँ पे दूर से जो डैमेज एनिंग बाकी बिली प्रोवाइड कर रहे थे वो भी यहाँ पे उनको सहायता देगा एंड इसी के साथ के खाते में आ जाएंगे। 4 team 6 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी यहाँ पे जीवित है, किंग एस की बात करेंगे, इनके पास और 3 first aid रहेंगे, बट आई डोंट थिंक ही विल बी सर्वाइव एनी मोर। सोलो सकते हैं, अरे भैया बच गए, इस बार भी बच गए। जोन सो यहाँ पे जो फायर निकल के आता है वो है फ्यूचर स्टेशन वर्सेस टीम एनिग्मा। फ्यूचर स्टेशन के गमला बॉय एंड पुकार वहाँ पे जीवित रहेगा, नेड आएगा, नेड मुंह के सामने फटेगा, काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे डील करेंगे वो नेड के चलते, बट पुकार यहाँ पे आ चुका है, पुकार गोज डाउन। क्या हुआ यहाँ पे मौजूद है, नेड आएगा, पुकार एलिमिनेट हो चुका है, गमला बॉय भी एलिमिनेट हो चुका है, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं किंग एस जोन के बाहर हील बैटल चला रहे हैं। किंग एस अभी भी बचे हुए हैं एंड ही इज स्टिल आउटसाइड ऑफ द जोन, ही विल बी स्पॉटेड, लास्ट किल यहां पे जाएगा बिलीव के खाते में एंड फाइनली विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम एनिग्मा गेमिंग फ्रॉम दिस मैच नंबर 2। सो कहीं ना कहीं हमने जो देखा था कहीं किंग एज अपने टीम को टॉप 5 पे लेकर आए, मुझे जब लगा कि भाई वो जोन के बाहर है, फर्स्ट एड भी नहीं है वहाँ पे, वो डब्बा से उनको 3 first aid मिलेगा एंड वही 3 first aid उनको लेकर जाएगा टॉप 2 में। एनिग्मा गेमिंग हैविंग टोटल 7 kills ऑन देयर पॉकेट एंड यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर भी मिलेगा एनिग्मा गेमिंग को एंड यहाँ पे MVP ऑफ द मैच गोज फॉर बिलीव। अच्छा फाइट्स यहाँ पे निकालेंगे, टॉप फ्रैगर ऑफ दिस मैच, 6 kills इन्होंने निकाले हैं अकेला। ST8 की बात करेंगे ऑन द सेकेंड पोजिशन विद द 2 kill, फ्यूचर स्टेशन ऑन 3rd position विद द 5 kill, वॉकआउट्स ऑन 4th position विद द 2, इनसेन ऑन 5th position विद द 4, मेगा स्टार्स ऑन 6th position विद द टोटल 8 kills, RIP ऑफिशियल ऑन समहाउ मैनेज्ड टू एंटर इन टॉप 7 बट दे डिडंट गेट एनी किल्स ऑन देयर पॉकेट। 9th position पे आपको एलिमेंट के टीम नजर आएंगे, सॉरी 8th position पे आपको एलिमेंट के टीम नजर आएंगे एंड इनके पास रहेगा इस मैच में टोटल 10 kill। लाइफक्राफ्ट आए हैं 9th position पे 6 kill के साथ, फिनटॉक्स का टीम यहाँ पे आपको नजर आएंगे 10th position के ऊपर 6 kill के साथ। बाकी रिजल्ट्स मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, लाइक किटकैट आपको 11th position पे नजर आएंगे, उसके बाद 4 As, देन सिनर्जी एंड उसके बाद गॉडेल एंड देन 1M ऑफिशियल, ऐसे करके गाइस बाकी रिजल्ट्स मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो एंड जो भी गाइस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो मेक श्योर टू गाइस हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू लाइक माई कास्टिंग देन यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट माई यूट्यूब चैनल
टेनजीत गेमिंग ऑन यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, जिसी के साथ जो भी मैं या फिर माया भी ब्रो जो भी स्ट्रीम करेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप तुरंत ज्वाइन कर पाओगे। एंड अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, वन एम ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, हमारे 10,000 फॉलोअर्स वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो अमेजिंग टूर्नामेंट्स के लिए एंड ये सारे T1 स्क्रीम्स T3 स्क्रीम्स एंड एवरीथिंग। एंड सो दिस इज़ द गाइस मैच फॉर 1M मिनी शोडाउन सीजन 0 Day 2 का यहाँ पे मैच नंबर 2 हो चुका है एंड इसके बाद वाला मैच आई गेस होने वाला है फिर से रैंगल के ऊपर। सो टिल देन गाइस आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, यू गाइस एंजॉय द म्यूजिक, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक विद अवर मैच नंबर 3।
invincible. Stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. ओके सो वी आर बैक अगेन गाइस वन मोर टाइम. क्या बोल रहा हूँ मैं, जंबल वर्ड हो गया मैं ये पूरा. सो वी आर बैक वंस अगेन विद आवर मैच नंबर टू. एंड मैच नंबर टू
हाँ, सो मैच नंबर टू यहाँ पे फिर से होने वाला है रैंगल के ऊपर। लॉबी 72 प्लेयर्स की यहाँ पे लॉबी लगी थी, बट देखना पड़ेगा कितना खेला प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे अभी के लिए। सो 70 प्लेयर्स के लॉबी रहेगा ये मैच में। एंड वन एम के खिलाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट हो गए, हिटलर, जसजू एंड उल्फ यहाँ पे अलग अलग हो गए फिलहाल तो अभी के लिए। एंड फिलहाल फ्लाई पाथ का यहाँ पे शुरुआत होते हुए, फ्लाई पाथ के ऊपर डेफिनेटली हम भरना चाहेंगे। एंड देयर यू गो, उरान यहाँ पे भर चुका है। फ्लाई पाथ की बात करेंगे, इस बार फ्लाई पाथ आपको जार्की के ऊपर से सॉसनोव का मिलिट्री बेस तक जाते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे जार्की जॉर्जो के नॉर्थ कंटेनर्स, जॉर्जो सिटी हॉस्पिटल, गट का रुइंस, क्वेरी फेरीपायर के एरियाज कवर होंगे। एंड साथ ही साथ ये फ्लाई पाथ फिर जाके आपको मिलिट्री बेस के ऊपर जाके एंड होते हुए नजर आएंगे। सो डेफिनेटली दिस इज अ फ्लाई पाथ विच इज प्रेफरिंग द ईस्टर्न, नॉट द ईस्टर्न एरिया। इस बार ये फ्लाई पाथ हमको वेस्टर्न एरिया प्रेफरेंस करते हुए नजर आएंगे। एंड लाइक जो टीम यहाँ पे लिपो का मिल्टा जाते थे उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगा। यश ने बोला है ना भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहेगा, सो टीम्स दे कैन गो फॉर व्हीकल एंड व्हीकल के साथ वो आगे जा सकते हैं। सेल्स फैन हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। टीम नंबर 10 कौन कौन है ब्रो? टीम नंबर 10 पे ब्रो इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के तरफ से डोम ओपी, म्यूज ओपी जूनियर एंड दरियस गॉड, ये चारों खिलाड़ी इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के खेल रहे हैं। वन एम इस्लाव कुराना जी ओपी इन द चैट गाइस। एंड जो भी यहाँ पे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। एंड ज़रूर यहाँ पे आप लोग आओ, मेरे को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। 10 जीत गेमिंग यूट्यूब के ऊपर सर्च करना आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए गाइस मैच की बात करेंगे, मैच का यहाँ पे शुरुआत तो हो चुका है, फ्लाई पाथ भी यहाँ पे बेसिकली ख़त्म हो चुका है। एंड डेफिनेटली अभी टाइम है कि सर्किल देखने का। एंड यहाँ पे सर्किल हमें नज़र आएंगे ऑन द एरियाज ऑफ, ओहो काफ़ी डिसेंट सर्किल यहाँ पे बना है। एंड लाइक ये वाला सर्किल भी पहले मैच के तरह ही बना है, जहाँ पे मेन आइलैंड, मिलिट्री बेस, पानी का हिस्सा, नॉर्दर्न एरियाज लाइक 7A शूटिंग रेंज जोन के अंदर रहेगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड फ्लाई पाथ। अभी के लिए गाइस एक अच्छा फाइट का शुरुआत यहाँ पे हो सकता है। 19 टीम्स आर प्लेइंग ऑन दिस मैच, 72 के लॉबी होना चाहिए था, बट 70 प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन दिस मैच। नहीं गलत बोल रहा मैं। अभी के लिए कॉडल के ऊपर आ चुका है कॉडल, बेसिकली उनका जो ड्रॉप लोकेशन है वो लोग यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते। एंड हर टाइम ये लोग यहाँ पे कंक्यूर भी कर पाते हैं। किलो अभी के लिए स्मोक कर चुके हैं इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के डोम ओपे, प्रज्वल गॉड को अभी के लिए करेंगे डाउन। किलो वहाँ पे एक अच्छा स्मोक पाथ के जरिए आ जाएंगे इस तरफ। एंड वन एम उल्फ की बात करेंगे, अकेला खिलाड़ी यहाँ पे उधर चुके हैं। गॉडल के यहाँ पे चारों के चारों खिलाड़ी मौजूद है, एसपावर, गॉडल 39, अल्लादीन एंड रैयद। एंड दूसरे चोर भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे 4A के तरह से, प्रज्वल गॉड, 4A एकेन ओपी, 4A नेक्सस एंड सेफ्टीज। एंड अगर हम और एक टीम जो यहाँ पे मौजूद है दैट विल बी, अरे भैया हम कहाँ से कहाँ चले गए, एंड दैट विल बी टीम इनिशिएटिव स्पोर्ट्स ऑल्सो। देखा जाए तो वैसे तीन टीम यहाँ पे अलाइव है सिनर्जी के साथ वहाँ पे। एक आई थिंक जी हाँ सर्वी वहाँ पे ऑफलाइन थे, सर्वी का वहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है। बाकी जो तीन खिलाड़ी है सिनर्जी का, स्क्रेल्स, वासु एंड क्लाउड, वो बचे रहेंगे। मेगा स्टार्स को वहाँ पे एक फ्री किल मिल जाएगा क्योंकि ऑफलाइन बंदे थे, तो ईजी वहाँ पे एक किल उनके खाते में आ चुका है। अभी के लिए अगर हम बात करेंगे पोचिंग की के एरियाज के ऊपर, तो आपको टीम 4A के तरह से प्रज्वल गॉड, एकेन, सेफ्टीज एंड और एक खिलाड़ी कहाँ गया, वो रहा 4A के नेक्सस मिल जाएंगे। एंड दूसरे छोर पे यहाँ पे इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के भी प्लेयर्स हैं। एंड आगे आपको गॉडल के भी खिलाड़ी मौजूद नजर आएंगे। एंड गॉडल इज डूइंग अ होल्डिंग ऑन दिस राइट एरियाज, यहाँ पे होल्ड करना पसंद कर रहे हैं। जो भी टीम्स यहाँ पे फाइट एंगेज करेंगे जरूर यहाँ पे सही टाइम पे एक थर्ड पार्टी फाइट लेकर जा सकते हैं। MGZ है क्या ब्रो? MGZ नहीं है ब्रो, MGZ कल खेल रहा था बट मार्कस गेमिंग आज नहीं खेल रहा है। पहले मैच पे रौनक आया था बट उसके बाद मैं उन लोगों को देखा नहीं खेल रहा है आज बेसिकली। सो यहाँ पे इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है वो धीरे धीरे यहाँ पे रोटेशन तो दे रहे हैं। एंड टीम नंबर 10 की बात करेंगे, यहाँ पे इस मैच पे
स्लॉट 10 पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, सो जो स्लॉट था वो खाली है। एनिग्मा गेमिंग आपको नजर आएंगे अभी के लिए शेल्टर के एरिया लूट कर रहे हैं, एंड मेजर जो फाइट का होने का चांसेस है वो यहाँ पे ही है। टीम तमिला जरूर इस मैच पे खेल रहा है, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MGZ मार्कस गेमिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द कास्टर जीत, एंड माई चैनल नेम इज टेन जीत गेमिंग। क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा चलो यहाँ पे बात करते हैं टीम तमिलास की, तो 1M0 आपको यहाँ पे नजर आएंगे विद द टॉप फ्रैगर 69 प्रधान एंड टीटी कैरी आउट देयर, ये चारों खिलाड़ी अभी के लिए आपको यहाँ पे मौजूद नजर आएंगे। ग्राउंड लेवल में आपको वॉकआउट्स के खिलाड़ी मौजूद नजर आएंगे जहाँ पे बियर्ड बाबा, मिस्टर स्प्रे, ओजेट किरीटो एंड युवा ओपी वाइट, ये चारों खिलाड़ी अभी के लिए जॉर्जो के यही नॉर्थ सिटी शेयर कर रहे हैं। सो टीम तमिलास एंड टीम वॉकआउट्स की बात करेंगे, सो एक फाइट कहीं ना कहीं यहाँ पे बन सकता है। ST8 की बात करेंगे, दे आर लूटिंग द एरियाज ऑफ जॉर्जो सिटी, RIP ऑफिशियल लूटिंग द एरियाज ऑफ जॉर्जो कंटेनर्स, एंड अभी के लिए स्पॉट किया गया था बगी को, शॉट्स भी ले रहे हैं बट काइंड ऑफ अभी के लिए उतना ज्यादा दूर रेंडर नहीं होंगे, शॉट्स रेंडर नहीं हो रहे बट स्टिल यहाँ पे अपना शॉट्स बरकरार रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं भैया। NRX के पास जाएंगे, NRX के डेव, ड्रैगनिल, डॉन गॉड एंड पार्व, ये चारों खिलाड़ी आपको अभी के लिए हॉस्पिटल के एरियाज के ऊपर मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली अपना लूट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जोन के अंदर रोटेशन देंगे, पहला सर्कल के अंदर है डेफिनेटली। इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के जूनियर वहाँ पे उल्फ के चलते हो जाएंगे डाउन, उल्फ जो अकेला खिलाड़ी खेल रहे हैं इस मैच पे वो अभी के लिए एक अच्छा नॉकआउट यहाँ पे निकाल चुके हैं, एंड टेक द फिनिश ऑफ इम्पोर्टेंट म्यूजोपी गोज डाउन, वहाँ पे इनिशिएटिव स्पोर्ट्स एक एक करके डाउन हो रहा है, 4S के खिलाड़ी यहाँ पे हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहे हैं, एंड इनिशिएटिव स्पोर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे म्यूजोपी का एलिमिनेशन हो चुका है, दरियस गॉड भी वहाँ पे डाउन हो चुका है, जूनियर यहाँ पे बचे हुए हैं, डोमो भी बचे हुए हैं, RIP ऑफिशियल यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से फाइट्स के अंदर आ रहे हैं, एंड वहाँ पे आई थिंक जी नहीं RIP नहीं, यहाँ पे ये वाला RIP फाइट्स के अंदर आ रहा है जहाँ पे ऑप्टिमम के सिम गॉड एक्स LF नॉक्स भी यहाँ पे थर्ड पार्टी फाइट के लिए आ चुके हैं। इनके सामने आपको किट कैट भी मिल जाएंगे, ओमेगा, नियॉन, साद एंड कैओस आउट देर, गॉडल की बात करेंगे, गॉडल स्टिल होल्डिंग देयर एरिया जहाँ पे अलादीन, एस पावर, रई एंड गॉडल 39 मिल जाएंगे। दे हैविंग टेकिंग वन कैल्स ऑन देयर पॉकेट, काफ़ी सारे टीम यहाँ पे पोचिंग के ऊपर मौजूद है, अगर हम देखेंगे तो टोटल ओवरऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह टीम इतने सी पोचिंग के अंदर मौजूद है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फाइट है वो थोड़ा सा होल्ड बेसिक पे होगा, बट थर्ड पार्टी होगा जब, मतलब एक बार जब फाइट चालू होगा तो थर्ड पार्टी, फिर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, खत्म, पार्टी खत्म। अभी के लिए सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो होल्ड कर रहे हैं, मिड पे आपको गॉडल मिल जाएंगे, एंड पे 1MK का खिलाड़ी है, राइट एंड पे आपको इनिशिएटिव स्पोर्ट्स, चर्च पे आपको मिल जाएंगे किटकैट, चर्च के जस्ट आगे कंपाउंड पे आपको मिल जाएंगे RIP स्क्वाड करन, सिम गॉड एक्स एंड LF नॉक्स, एंड उनके आगे मिल जाएंगे आपको 4S की टीम। छह टीम आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा भैया, कहीं पे जाने का जरूरत ही नहीं है अभी तो। अभी के लिए सर्कल की बात करेंगे, सर्कल के अंदर 19 टीम यहाँ पे बचे हुए हैं, जिसके अंदर 6 टीम आपको पोचिंग की हुए नजर आएंगे, एंड बाकी जो 13 टीम है वो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट्स का इनिशिएशन देखना पड़ेगा कितना जल्द शुरुआत होता है। भाई योर कितने मचे है, मतलब ब्रो क्या बोल रहे हो, DT निमाल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, वॉकआउट्स ओपी, वॉकआउट्स तो भैया अभी के लिए फाइट के अंदर नहीं आ रहा है, लाइफ क्राफ्ट के खिलाड़ी यहाँ पे फाइट्स के अंदर आ रहा है, सो डेफिनेटली वी विल मूव ऑन देम, एंड NRX के साथ यहाँ पे फाइट लिया जाएगा जहाँ पे पर्व गोज डाउन, पर्व का वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, वहाँ पे NRX के जो डॉन गॉड है वो बचे हैं, डेव भी वहाँ पे बचे हुए हैं, ड्रैगनिल को अभी के चलते डाउन किया जा चुका है, एंड ये फाइट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे रिवाइवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, NRX के खिलाड़ी के ऊपर यहाँ पे शॉट्स जरूर ले रहे हैं बट वहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंड शॉट्स हो रहा है क्योंकि रेड डॉट के साथ उतना ज़्यादा दूर मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई। और कितने मैचेस ब्रो, यही आखिरी मैचेस है, 6 बजे से बैक टू बैक 3 मैचेस होते हैं, एंड यही है आखिरी मैचेस। हेलो अभी छाबरा भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या मैसेज किया आप डिलीट कर दिए,
Life Craft having one curse on their pocket without any casualty, holding these areas on the very center, and center में काफी ज्यादा cluster आपको अभी भी देखने को मिलेगा. LF के Nox goes down वहाँ पे 4S के next ऐसा भी के लिए down करेंगे. 4S के Aken OP goes down. चाहे उसको वहाँ पे अपने M16 का प्रहार करेंगे. एक खिलाड़ी को down किया जाएगा. Team 13 की बात करेंगे, वहाँ पे Nox का elimination हो जाएगा. But यहाँ पे बाकी जो दो खिलाड़ी है वो अभी भी कहीं ना कहीं बचे हुए हैं. वन एम के उल्फ अभी के लिए किलवा को करेंगे डाउन. गॉडेल के लिए दिक्कत हो सकता है क्योंकि वहां पे उल्फ जो है वो अकेला खिलाड़ी है, वो जिसको डाउन करेंगे उसको कंप्लीट एलिमिनेट कर सकता है. नेड आएगा इनके ऊपर, नेड यहां पे देखा जाएगा. 30 का डैमेज अंदर की तरफ आएंगे. 1v1 का फाइट अलादीन यहाँ पे मौजूद है. अलादीन यहाँ पे लेकर जाएंगे. जी नहीं, रैयत पीछे से आएगा. उल्फ का किल यहाँ पे लेकर जाया जाएगा एंड इसी के साथ यहाँ पे फिनिश होगा वन एम उल्फ का सफर. अलादीन लिटरली एचपी उनका वन है एंड वन एचपी पे यहाँ पे बचे हुए हैं. फर्स्ट एड यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे जल्द से जल्द. दो गर्ल्स यहाँ पे निकाले हैं. एंड गाइस, जो भी यहाँ पे चैनल के ऊपर नए आए हो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. लेट्स गो फॉर 200 लाइक्स गाइस. तो इनिमा की टीम यहाँ पे फाइट के अंदर आ रहा है. गॉडेल की बात करेंगे. गॉडेल यहाँ पे एक अच्छा फाइट निकाल के जा रहे हैं. इनिशिएटिव स्पोर्ट्स को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा. गॉडेल यहाँ पे एक कैजुअलिटी के साथ उनके खाते में आ जाएंगे टोटल 4 किल. गॉडेल 39 का एलिमिनेशन हो चुका है. एस पावर यहाँ पे डाउन है. एस पावर का यहाँ पे रिवाइवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. दूसरे छोर पे एक और फाइट चल रहा है एंड यहाँ पे सिनर्जी के टीम भी आ चुके हैं. प्रज्वल गॉड की बात करेंगे. डेफिनेटली काफी ज्यादा करीब थे वहाँ पे गॉडेल के एंड वहाँ पे एक आधा अगर नेट भी कर सकते थे तो वहाँ पे गॉडेल का फिर से एक और नॉकआउट हमें देखने को मिलता है एंड काफी ज्यादा तकलीफ फिर से उनको झेलना पड़ता है. वर्कआउट तो भी इन द चैट कब से चल रहा है. सो वर्कआउट को हम देखना चाहेंगे जल्द से जल्द. वो भी एक फाइट के अंदर एंगेज हो तो उनका फैन भी यहाँ पे जरूर खुश रहेंगे. एंड लाइव क्राफ्ट की बात करेंगे. वहाँ पे कहीं ना कहीं ओमेगा थोड़ा फंस चुके हैं एंड वहाँ पे लाइव क्राफ्ट के चारों प्लेयर्स आ चुके हैं. नेट्स यहाँ पे जरूर आएगा. फाइनली यहाँ पे ओमेगा नीचे कूद चुके हैं. 1v4 का फाइट यहाँ पे इनके सामने रहेगा. लाइव क्राफ्ट के माइक वहाँ पे स्पॉटेड हो चुका है. ओमेगा अकेला खिलाड़ी काफी ज्यादा मुश्किल. पीछे से डेफिनेटली एक कवर फायर आएगा. 7 बजे का डाउन मायंक डोकोस डाउन. यहाँ पे एक अच्छा फाइट निकाल के जाएंगे. सचिन को यहाँ पे डाउन किया जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पे सचिन का किल कंफर्म करते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं. हाथ में है AKM. करेंगे एक अच्छा प्रोन शॉट एंड यहाँ पे एक खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा. क्या उसे यहाँ पे पीछे से आएंगे ट्रेड फायर दिया जाएगा बट ठीक हो जाऊ ना. तो आपके बाकी जो खिलाड़ी है वो अंदर नॉक हुए पड़े हैं. यहाँ पे नियोन आ चुके हैं. 7 डॉट एचपी राइट है. 7 गोस डाउन. यहाँ पे नियोन अकेला खिलाड़ी बच जाएंगे. फर्स्ट एड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक सो कि उतना टाइम यहाँ पे दिया जाएगा एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी के चलते यहाँ पे किट कैट का एलिमिनेशन हो जाएगा एंड लाइव क्राफ्ट विल टेकिंग दिस किल्स ऑन देयर पॉकेट. शॉट किया जा चुका है. विक्टर के साथ शॉट लिए है बट अभी के लिए समहाउ ही मैनेजेस टू सर्वाइव एंड एस्केप फ्रॉम दिस पोजीशन. बट यहाँ पे लाइफ क्राफ्ट को अच्छा डैमेज प्रोवाइड किया गया था. अच्छा फाइट भी वहाँ पे लेकर जा सकते थे बट कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा जैसा चोक कर गए. क्या लगता है गाइस, चोक कर गए? जी नहीं, वहाँ पे उन्होंने चोक नहीं किया. वहाँ पे जो फाइट हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा. के लिए टीम तमिलाज ऑनर फाइट एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स फिर से फाइट्स के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे आपको टीम तमिलाज के खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे. कैरी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं. 0 गोल्स डाउन यहाँ पे प्रधान एंड टीटी टॉप रहेगा. 69 यहाँ पे बचे रहेंगे. सचिन वहाँ पे डाउन हो चुके हैं. यहाँ पे शेड के ऊपर रहेंगे. 10 को डाउन किया जाएगा. क्रीट गोज डाउन. प्रधान अकेला खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं. किल कंफर्म करना चाहेंगे डेफिनेटली एंड जाते जाते अपना पैर के सामने जो नॉकआउट है वो कंफर्म करते हुए जा रहे हैं. अदरवाइज वो काफी सारे टाइम वहां पे स्टक कर जाते हैं. गाइस, जो चीज का मैं बात कर रहा था वो मैं बताता हूँ. अभी के लिए प्रधान गोज डाउन. यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं. रिवाइवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ऊपर की बात करेंगे. सचिन को यहाँ पे रिवाइवल दिया जा रहा है एंड वहां पे क्रेट अभी के लिए ब्लीड आउट हो जाएंगे. एक्चुअली वहाँ पे जो सीन हुआ था ओमेगा के अच्छा ओमेगा जो था वो वहाँ पे अकेला फंसे हुए थे तो उनको बचाने के लिए उनका टीम कवर फायर देने के लिए आया तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे अपना पोजीशनिंग में गड़बड़ हो गया एंड फिर जाके लाइफ क्राफ्ट जो लोग उतना देर से वो पोजीशन होल्ड कर रहे थे वो उसका एडवांटेज एक था उनके पास. सो डेफिनेटली वहाँ पे वो लोग कम बैक कर गए.
अभी के लिए लाइव क्राफ्ट के मयंक आपको नजर आएंगे, एपीपी के ऊपर स्विच कर चुके हैं। किंग एज अपने ही नेट में अपने को फोड़ देंगे एंड यहाँ पे अपने आप को डाउन कर देंगे बिकॉज ही इज राइट नाउ इनसाइड ऑफ दिस ट्रक। यहाँ पे फंस चुके हैं ट्रक के अंदर, इसी के कारण वहाँ पे इनको डाउन किया जाएगा। खुद के नेट पे यहाँ पे खुद हो जाएंगे डाउन। लाइव क्राफ्ट यहाँ पे अच्छा फाइट निकाल रहे हैं, सचिन अकेला खिलाड़ी बचे रहेंगे, 1v1 का फाइट यहाँ पे बचा रहेगा। एक्वानॉक्स को यहाँ पे ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं, प्रधान भी यहाँ पे आएंगे, प्रधान भी अभी भी जीवित है। संभव टीम था मिलास इज होल्डिंग द एरिया जहाँ पे अभी भी कोई फुटस्टेप्स नहीं देना चाहेंगे, बट यहाँ पे जरूर किल स्टील करेंगे। सुनामी का वहाँ पे किल स्टील किया जा चुका है, यहाँ पे और एक आई थिंक स्मोक आएगा। एटलास वहाँ पे बचे हुए हैं, 1v1 का फाइट, एटलास काफी ज्यादा डिलीट एंड यहाँ पे प्रधान के पास और एक बार मौका है ये टीम को एलिमिनेट करके अपने खाते में किल ऐड करना। इनसेन का टीम भी यहाँ पे आई थिंक थर्ड पार्टी करने के लिए आ सकते हैं एंड टूप डॉग वहाँ पे एक नॉकआउट जो था उसका किल आपको सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे तीनों टीम एक कंपाउंड के अंदर है जहाँ पे प्रधान आपको नीचे के हिस्से में मिल जाएंगे। एटलास गोज डाउन, आरआईपी एटलास का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, आरआईपी ऑफिशियल का आपको यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। कंपाउंड के ऊपर अभी भी टीम लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर्स मौजूद है। कहीं ना कहीं प्रधान यहाँ पे अच्छा फाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे बट प्रधान विल टेक डाउन बाय टीम लाइफ क्राफ्ट एंड इसी के साथ लाइफ क्राफ्ट के खाते में आ जाएंगे टोटल 10 किल्स एंड दोनों खिलाड़ी अभी के लिए इनका डाउन है। कॉडल की बात करेंगे, स्टिल सर्वाइव ऑन दैट पोजीशन। यहाँ पे रैयद, एस पावर एंड अलादीन एंड जो बात करेंगे इनके पास ये ट्रेंच जरूर रहेगा एंड ये जो नाला है नाला टाइप का यहाँ पे आपको रैयद मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली दिस आर देयर ड्रॉप लोकेशन। सो ये अच्छे से जानते हैं कैसे ये पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं। तीसरा सर्कल यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर क्लोजिंग होने वाला है, 33 प्लेयर्स आर स्टिल अलाइव एंड फाइट का सिचुएशन। यहाँ पे एक बार वॉकआउट्स की तरफ बढ़ेंगे, वॉकआउट्स के पास एक किल रहेगा, युवा ओवी वाई टी साथ ही साथ बियर्ड बाबा मिस्टर स्प्रे एंड क्रिटो। फिर से ये फाइट जो पोचिंग का एज यूजुअल फाइट है, एक नोपी वहाँ पे स्पॉट करेंगे, रैयद माइट भी गोज डाउन बट अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड कर पाएंगे बट सही टाइम पे वहाँ पे रैयद कहीं ना कहीं कंपाउंड के अंदर मतलब कवर के अंदर आ जाएंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स कहाँ है, ग्लोबल स्पोर्ट्स इज नॉट प्लेइंग ऑन दिस मैच। लास्ट दो मैच खेला था सांगवान ब्लेजी बट ये मैच पे आपको नजर नहीं आएंगे ग्लोबल स्पोर्ट्स। यहाँ पे एस पावर की बात करेंगे, एस पावर अलादीन एंड रैयद तीनों खिलाड़ी यहाँ पे जीवित हैं, तीनों खिलाड़ी यहाँ पे एक अच्छा फाइट निकाल के जा सकते हैं। टोटल 6 किल्स इनके पास आ चुके हैं। टीम 4S की बात करेंगे, एकेनोपी वहाँ पे अकेला खिलाड़ी बचे रहेंगे सो 4S के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत अभी के लिए रहेगा। मोलोटॉव जरूर आएगा, प्रज्वल गॉड धीरे धीरे वहाँ पे ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे। गॉडल के रैयद यहाँ पे टनल के चलते धीरे धीरे आ चुके हैं काफी ज्यादा करीब, अलादीन पीछे है एंड अलादीन यहाँ पे डेफिनेटली एक नीड करते हैं तो वहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है बट एग्जैक्ट लोकेशन आई गेस पता नहीं है एंड 4S के एकेनोपी वो देना भी नहीं चाहेंगे। 1v3 का ये सिचुएशन एंड 4S एकेनोपी की बात करेंगे, फुल बूस्ट कर चुके थे अभी के लिए उनके हाथ में आपको M4 नजर आएगा। सामने कंपाउंड पे दो बंदे हैं, दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे मौका ढूंढ रहे हैं कि जब एक बंदे को पूरा नॉकआउट करे तभी जाके शॉट्स ले। स्टीयर्स के ऊपर इनका ADSR जरूर रहेगा एंड यहाँ पे क्रॉस एयर के साथ सॉरी अभी के लिए तैयार जरूर है। इस पावर यहाँ पे आ चुके हैं, पावर एंड रैयद दोनों के यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा। रैयद गोज डाउन, टीपी के ऊपर यहाँ पे स्विच करेंगे नीचे जाने की कोशिश बट गॉडल के जो बाकी दो खिलाड़ी है वो भी यहाँ पे तैयार जरूर रहेंगे। एकेनोपी यहाँ पे एक अच्छा 1v3 कर सकते हैं बट काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, यहाँ पे लिटरली 1 HP पे सर्वाइव कर रहे हैं। अलादीन यहाँ पे कहीं ना कहीं पुश इन करेगा तो एकेनोपी के लिए दिक्कत होगा। एंडेयर यू गो, अलादीन का पुश आएगा, एकेनोपी एलिमिनेट एंड 4S का भी यहाँ पे आपको एलिमिनेशन होते हुए नजर आएगा। हाँ टीम 30 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं, सिनर्जी का टीम यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है। वॉकआउट्स के ऊपर नजर डालेंगे, यहाँ पे युवा ओपी वाई टी बियर्ड बाबा क्रेटो एंड मिस्टर स्प्रे चारों के चारों खिलाड़ी इस मैच पे जीवित है सो एक अच्छा एंड सर्कल फाइट हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 85 पीपल्स आर वॉचिंग राइट नाउ, इफ यू गाइज आर न्यू ऑन दिस चैनल मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 10.3K सब्स, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हो अगर आपको मेरा कास्टिंग अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप लोग जाके मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बार लिंक प्रोवाइड करता हूँ चैट सेक्शन के ऊपर, तो आप लोग जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो।
अभी के लिए युवा ओपीवाईटी गोज डाउन एंड यहाँ पे टीम सेनर्जी भी मौजूद है। सेनर्जी की तरह से वासु यहाँ पे कंपाउंड के ऊपर रहेंगे। अच्छा हाँ, हाई एडवांटेज उनके पास रहेगा। मिस्टर स्प्रे की बात करेंगे, मिस्टर स्प्रे ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर यहाँ पे आ चुका है। बियर्ड बाबा भी वहाँ पे बचे रहेंगे, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे किरीटो को रिवाइव दिया जा सकता है, बट युवा ओपीवाईटी रिवाइवल नॉट पॉसिबल। पैराडॉक्स गोज डाउन, ST8 के रॉबिन वहाँ पे फाइट्स के अंदर आ रहे हैं। पैराडॉक्स को डाउन किया जाएगा। डीटी जेली एंड वैक्सी मेगा स्टार्स की तरह से ये दो जो खिलाड़ी है ये डुओ अभी के लिए बच जाएंगे एंड अच्छा फाइट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मैडमैन गोज डाउन, टीम इनसेन के लिए दिक्कत हो रहा है एंड ये सर्कल फिर से जाएगा पोचिंग के ऊपर। सो डेफिनेटली गॉडल के पास जो एडवांटेज शुरुआत से था वो कहीं ना कहीं बरकरार यहाँ पे जरूर रहेगा। एंड गाइज 80 पीपल्स आर वॉचिंग जस्ट गाइज, चेक आउट माई यूट्यूब चैनल, लिंक्स आर प्रोवाइडेड ऑन द चैट सेक्शन। जाइए गाइज, जस्ट सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आ जाइए गाइज। मेरा चैनल में 5 सब्सक्राइबर की जरूरत है 2.18 के लिए और 2.2K के लिए 30। सो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो आज क्या अभी के अभी हो सकता है। गाइज प्लीज सपोर्ट मी। बट अभी के लिए वैक्सी सेक्सी अभी के लिए एक नॉकआउट निकालेंगे। फियर्स गोज डाउन, यहाँ पे इनसेन की बात करेंगे। यहाँ पे पावर हाउस एलिमिनेट हो चुके हैं, सर्कल फिर से छोटा हो जाएगा, बट स्टिल पोचिंग की का हेरियास अभी के लिए सर्कल के अंदर है। एस पावर आपको आगे जाते हुए नजर आएंगे। ईफ दे कैन कैपिटलाइज द चार्ज एरियाज, दे कैन टेक सम गुड फाइट्स फ्रॉम द एरिया। अभी के लिए वैक्सी अभी यहाँ पे आ चुका है। टीम मेगा स्टार्स यहाँ पे मौजूद है। 2v2 का ये फाइट होने वाला है जहाँ पे वैक्सी एंड डीटी जेली मौजूद रहेंगे। सामने रहेगा गॉडेल के खिलाड़ी अल्लादीन एंड एस पावर। रैयत की बात करेंगे, रैयत यहाँ पे पीछे रहेगा बट यहाँ पे डीटी जेली को फिनिश ऑफ किया जाएगा। मैडमैन वहाँ पे फिनिश ऑफ करके जाएंगे। आईटी प्रिंस के खाते में जाएगा वैक्सी का किल। मेगा स्टार्स वहाँ पे अपने खाते में लेकर जाएंगे किल, बट समा वहाँ पे पीछे से थर्ड पार्टी के चलते इनसे इनके खाते में जाएगा वो किल। टॉक टॉक यहाँ पे जरूर आ चुका है बट यहाँ पे आईटी प्रिंस अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लो ऑन हेल्थ है। इनके जस्ट पीछे यहाँ पे गॉडेल के खिलाड़ी मौजूद है। गॉडेल के रैयद, साथ ही साथ यहाँ पे गॉडेल के अल्लादीन एंड यहाँ पे एस पावर बचे रहेंगे। दे आर इनसाइड द जोन। पोचिंग का एरियाज अभी के लिए जोन के अंदर है। वो जो चर्च का एरियाज वो लोग कैपिटलाइज करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे सिनर्जी आया, सॉरी सिनर्जी नहीं, वहाँ पे पहले मेगा स्टार्स आया। मेगा स्टार्स को मारने के लिए पीछे से इनसेन भी आ गया। सो इनसेन के खाते में मेगा स्टार्स का किल चला गया एंड फिर गॉडेल समझा कि भाई यहाँ पे यहाँ से बैक स्टेप ही अच्छा है। 8 टीम 23 खिलाड़ी यहाँ पे जीवित है। इस तरफ की बात करेंगे तो मेगा स्टार्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टीम नंबर 12 के खिलाड़ी अभी के लिए डाउन है। मेगा स्टार्स एलिमिनेट हो चुका है। सेनर्जी की बात करेंगे, सेनर्जी के खाते में रहेगा यहाँ पे अभी के चलते 3 किल। ST8 के रॉबिन वहाँ पे बढ़ चुके हैं अभी, बट BTR से ऑफर ये अभी के लिए एलिमिनेट हो चुका है। 7 टीम यहाँ पे जीवित है। ST8 की बात करेंगे, समहाउ दे आर टेकिंग सम फाइट्स विद द टीम वॉकआउट्स एंड अभी के लिए मिस्टर स्प्रे को डाउन। यहाँ पे क्रिटो अकेला बच जाएंगे, क्रिटो को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा एंड RPG सवितार के खाते में जाएगा ये किल एंड इसी के साथ ST8 हैविंग टोटल 5 किल्स ऑन देयर पॉकेट विद 1 कैजुअल्टी। बट फियर्स गोज डाउन, फियर्स को यहाँ पे रिवाइवल देना पड़ेगा। जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइवल प्रोसेस चालू हो जाएगा। 5वां जो सर्कल है फिर से पोचिंग की तरफ बढ़ेगा, बट इस बार सर्कल के जो साउथ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे आपको 3 टीम नजर आएंगे। 6 टीम 17 खिलाड़ी यहाँ पे जीवित है। ग्राउंड लेवल के अंदर आपको गॉडेल मिल जाएंगे, सिनर्जी मिल जाएंगे, टीम इनसेन मिल जाएंगे। ये तीनों टीम पाँच टीम आपको मिल जाएंगे जो तीनों खिलाड़ी के साथ जीवित है एंड लाइव क्राफ्ट के खिलाड़ी आपको नजर आएंगे जो कि 2 खिलाड़ी के साथ बचे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं एक सेम लेवल फाइट यहाँ पे होने वाला है, बट जोन एडवांटेज है दैट इज द मेन फैक्टर, मेजर फैक्टर राइट नाउ। हेक्टर को स्पॉट किया जाएगा, वहाँ पे 20 का डैमेज M16 के साथ जरूर प्रोवाइड करेंगे, बट अभी के लिए नॉकआउट हमें देखने को नहीं मिलेगा। सर्कल यहाँ पे काफी छोटा हो रहा है। सिनर्जी संभव मैनेजेस टू एंटर द जोन एंड एक अच्छा एरिया अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। रेज उनके पास है। गब्बर अभी के लिए अलादीन को करेंगे डाउन। इस बार रिवाइवल मुश्किल होने वाला है क्योंकि जोन के अंदर इनको जाना पड़ेगा। स्मोक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, ऊपर में हाई रेज एडवांटेज यहाँ पे इनसेन लेकर रखेंगे एंड यहाँ पे नीड कुक किया जा रहा है। आईटी प्रिंस का ये नीड जाएगा, फटेगा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं शैक के अंदर नहीं जाएगा ये नीड। आईटी प्रिंस के पास एक कवर है, जरूर रहेगा। इस पावर आई थिंक शॉट कर चुका है 1v1 का फाइट। यहाँ पे आईटी प्रिंस को डाउन। यहाँ पे टीम इनसेन के जो बाकी खिलाड़ी है वो भी अभी भी TPP का इस्तेमाल करेंगे।
बट गॉडेल कहीं ना कहीं नीचे के एरिया से जोन के अंदर जल्दी पहुंच जाएंगे एंड फिर जाके वो यहाँ पे तकलीफ दे सकते हैं टीम इनसेन को। टॉक टॉक की बात करेंगे, अभी भी उनके पास चर्च का एरिया सा जो है जोन के अंदर था। हेक्टर का नेट जाएगा, स्प्रेल गोस डाउन, यहाँ पे रैयत पर शॉट क्या जाएगा, रैयत गोस डाउन, एक अच्छा स्प्रे वहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे टॉप डॉग, उसी के चलते रैयत को डाउन किया जाएगा। नेट यहाँ पे पिन कर चुके हैं, नेट जाएगा फटेगा, फिर से डैमेज मिलेगा। बट टॉप डॉग यहाँ पे पुश करना चाह रहा है, पीछे से मैडमैन भी आ रहा है, रैयत वहाँ पे डाउन है। इस पावर अभी के लिए एक अच्छा नॉकआउट निकालेंगे, इस पावर के सामने और एक खिलाड़ी आएगा बट इस बार थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मैडमैन उनको लेकर जाएंगे एंड इसी के साथ इस पावर का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। तीन टीम छह खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं, आरबीजी सविता एंड फियर्स यहाँ पे बचे रहेंगे एसटी8 के तरफ से। दूसरे तरफ अगर हम बात करेंगे लाइफक्राफ्ट के तरफ से, कहीं ना कहीं मयंक एंड सचिन स्टिल सर्वाइव ऑन दिस फाइट एंड मैडमैन एंड टॉप डॉग, ये दोनों खिलाड़ी अभी के लिए इनसेन के तरफ से बच जाएंगे। 2v2v2 का फाइट है, डुओ फाइट यहाँ पे बचे रहेंगे। सातवां जो सर्कल है 12 सेकंड्स के अंदर क्लोजिंग होगा एंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी के लिए टीम 21 एंड टीम 8 दे आर इनसाइड ऑफ द जोन एंड आई थिंक यहाँ पे 15 टीम नंबर 15 के भी जो खिलाड़ी है वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। सो डुओ फाइट्स यहाँ पे बचा रहेगा, मयंक के ऊपर ये नेट जाएगा, नेट फटेगा, 22 का डैमेज वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सविता वहाँ पे डेफिनेटली पोशिंग कर सकते हैं, सचिन वहाँ पे पीछे से आ चुके हैं एंड इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके पीछे भी एक और टीम है। मयंक गोज डाउन, सचिन गोज डाउन विद दैट ब्यूटीफुल नेट फ्रॉम फियर्स एंड इसी के साथ ST8 के टीम के पास रहेगा 10 किल। सामने है इनसेन का स्क्वाड, टॉप डॉग विल बी स्पॉटेड आउट देयर, टॉप डॉग को यहां पे डाउन करने की कोशिश, बट टॉप डॉग वहां पे कहीं ना कहीं बच जाएंगे। अभी के लिए 1v1 का फाइट, सभी तार गोस डाउन, मैडमैन यहां पे पीछे खेलने पे रहेंगे, फियर्स विल टेक हिम डाउन बट उससे पहले फियर्स को डाउन किया जाएगा एंड फाइनली विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम इनसेन फ्रॉम द मैच नंबर 3। मैच नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा टीम इनसेन के खाते में, एक इनसेन गेम प्ले हमें उनके तरफ से देखने को मिलेगा। बाकी सारे टीम से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर जाएंगे बट स्टिल इन द एंड फाइट इन द एंड सर्कल द विनर इज टीम इनसेन एंड उनके पास आपको देखने को मिलेगा टोटल 8 किल्स। ST8 ऑन सेकेंड पोजिशन इनके खाते में रहेगा टोटल 10 किल। थर्ड पोजिशन पे आपको लाइफक्राफ्ट नजर आएंगे, इनके पास भी रहेगा टोटल 10 किल। एलिमेंट ऑन फोर्थ पोजिशन हैविंग टोटल 4 किल्स ऑन देयर पॉकेट। गॉडेल ऑन फिफ्थ पोजिशन, गॉडेल इस बार कमबैक करेंगे एंड इस बार उनके खाते में रहेगा टोटल 9 किल्स। पहले मैच पे फोर्थ पोजिशन 17 किल, सेकेंड मैच पे थोड़ा अर्ली एलिमिनेट हुए थे बट इस मैच पे एक अच्छा कमबैक करेंगे, फिफ्थ पोजिशन पे अपने टीम को एंड करवाएंगे एंड टोटल इस मैच पे लेकर जाएंगे 4-3-7-2-9 किल्स। सिक्स पोजीशन पे समाओ अभी के लिए आपको नजर आएंगे सिनर्जी के टीम हैविंग टोटल 5 किल्स ऑन देयर पॉकेट। वॉकआउट्स ऑन सेवेंथ पोजीशन विद ओनली 1 किल। उसके बाद आपको नजर आएंगे फिनटॉक्स के खिलाड़ी जो कि 8 पोजीशन पे एंड करेंगे 2 किल के साथ। मेगा स्टार्स ऑन 9th पोजीशन विद टोटल 5 किल्स। टीम फोरेस ऑन 10th पोजीशन विद 4 किल्स। यहाँ पे 1M के हिटलर ओपियन जस्ट जू आपको नजर आएंगे 11th पोजीशन पे 0 किल्स के साथ। बाकी रिजल्ट्स मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो एंड जो भी यहाँ पे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। इफ यू लाइक द स्ट्रीम प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन बिकॉज लेट्स गो फॉर 200 लाइक्स बिकॉज वी आर टारगेटिंग फॉर 200 लाइक्स, मोर 26 लाइक्स रिक्वायर्ड। सो जो भी यहाँ पे अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर अभी के चलते 2 रेगुलर स्ट्रीम्स होते हैं, लाइक 12 से 2 होते हैं टीयर 1 स्क्रीम्स एंड मेन लाइनअप स्क्रीम्स आपका होता है 6 से 8.5। सो डेफिनेटली ये जो 5 मैचेस है वो आप डेली देख सकते हो, तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना स्ट्रीम को चैनल को एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव स्ट्रीम शुरुआत हो। सो गाइज इसी के साथ आज के दिन का 1M मिनी शोडाउन सीजन 0 डे 2 का यहाँ पे एंड होता है। बैक टू बैक यहाँ पे 3 मैच हो चुका है एंड पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच एंड
यहाँ पे एक अच्छा दिन का एंड यहाँ पे होते हुए। सो गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। आई एम योर कास्टर एके टेंजित गेमिंग साइनिंग ऑफ राइट नाउ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। सो सी यू गाइज टुमारो फ्रॉम 12 PM जो मेरा यूजुअल 1 AM में स्ट्रीमिंग टाइम है, 12 PM से 2 PM जो मेरा tier 1 टाइम रहता है। सो मिलते हैं कल फिर से वही टाइम पे एंड देखते हैं कल का 6 बजे का क्या सीन रहता है। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय, see you soon tomorrow once again and goodbye, have a nice day। यार आज कौन सा डे है? स्मेल्स लाइक इटालियन थर्सडे। थर्सडे मतलब इटालियन थर्सडे ऑन ज़ोमैटो। हर रोज कुछ नया, तो आज मंगाया क्या?